अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जस्ट अ मिनट, हमारे ट्रेनर्स ज्वाइन करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यस सर। जी मैम, यू कैन स्टार्ट। ओके। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम, हो रही है। ओके। तो आज हम जिस हैकाथॉन के बारे जी में मैम, जी आज हम जिस हैकाथॉन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अनहेलुसिनेट हैकाथॉन चैलेंज, जो है वो जो कि कल सुबह से स्टार्ट होगा और कल ही एंड हो जाएगा। मतलब कि जो कि 24 आवर्स हैकाथॉन है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे टीम ज्वाइन करनी है, और जो भी उसमें टेक्नोलॉजीज ऑफर हो रही हैं तो हम उन पे उनके साथ हमने कैसे वर्क करना है। तो मेरे साथ मोहम्मद मुबशिर भी होंगे जो कि आपको जो टेक्नोलॉजीज ऑफर हो रही हैं उनके बारे में बताएंगे एट द एंड। और अब हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हैकाथॉन्स के बारे में। हैकाथॉन क्या होते हैं, हम हैकाथॉन्स क्यों ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और हमें हैकाथॉन्स में क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हम कैसे हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। और जो कि हैकाथॉन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अनहेलुसिनेट हैकाथॉन, और इसी में ही हम हैकाथॉन से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और टिप्स के हैकाथॉन में हम कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं टिप्स डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ज्वाइन, के हम हैकाथॉन को ज्वाइन कैसे करना है, टीम कैसे रजिस्टर कैसे करना है, टीम कैसे ज्वाइन करनी है हमने, ये सारा हम आपको लाइव डेमो के जरिए दिखाएंगे, लाइव डेमो परफॉर्म करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट हम इस सेशन के एंड में जो भी आपके इस सेशन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम आंसर करेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज हैकाथॉन। हैकाथॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने बहुत से प्रोडक्ट्स बनाकर मार्केट में लॉन्च किए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि हम न्यू प्रोडक्ट्स बनाएं और मजीद रेवेन्यू जनरेट करें। तो इस पर्पस के लिए ना वो लोग हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें फ्रेशर, इंटरमीडिएट, एक्सपीरियंस लोग सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे अब कल वाला हैकाथॉन जो है वो 24 आवर्स हैकाथॉन है, तो उसमें मतलब के डिफरेंट कुछ हैकाथॉन्स होते हैं वो फुल वीक के होते हैं, मतलब के हैकाथॉन पे डिपेंड करता है कि वो मतलब डिफरेंट हैकाथॉन्स डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के होते हैं। तो इस तरह मतलब के इसी टाइम ड्यूरेशन में वो इंटरमीडिएट, फ्रेशर, एक्सपीरियंस लोग मिलके टीम बनाते हैं, उस टीम में फिर वो एक मिलके आइडिया चूज करते हैं, और फिर उस आइडिया जो के आइडिया होता है फिर उसको उसके बारे में रिसर्च करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करते हैं। जो कल हैकाथॉन होगा वो सुबह से स्टार्ट होगा और शाम को ही एंड होगा, तो फिर हमने अपना जो प्रोडक्ट सबमिट करना होगा तो भी शाम को ही सबमिट करना होगा। और हैकाथॉन में जो है हमें एक स्पेसिफिक हमें प्रॉब्लम मतलब कि एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी दी जाती है, उसी को हमने यूटिलाइज करना होता है, उसी से प्रोडक्ट बनानी होती है।
हैकाथॉन्स जो हैं वो ज्यादातर जो टेक इंडस्ट्रीज ही ऑर्गेनाइज करवाती हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि जो नॉन टेक इंडस्ट्रीज है ना वो हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज करवाएं। अगर वो ऑर्गेनाइज करवाती भी हैं तो बहुत छोटे लेवल पे वो ऑर्गेनाइज करवाती हैं। नेक्स्ट है कि हमें इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपना जो है प्रोडक्ट वो सबमिट करना होता है। और हैकाथॉन्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले है इनोवेशन के जो भी हमें हैकाथॉन्स, जैसे तो कल है ना हैकाथॉन्स, उस हैकाथॉन जो कल है उसमें हमें उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हमने यूज करनी है वो है, वो हम एट दी एंड आपको वो बशीर आपको डिफाइन भी करेंगे, वो है वेक्ट्रा का एक मॉडल है हीम, तो उसको हमने यूटिलाइज करना है और अपनी रैग बेस्ड एप्लीकेशन एक बनानी है। तो उसको हमने मॉडल जो है ना वो ही मॉडल हमने यूज करना है अपनी ऐप में, जो भी हमने प्रोडक्ट बनानी है उसी के अंदर यूज करना है। तो अब जो है ना इनोवेशन, इसका मतलब ये है कि जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी हमें दी है हैकाथॉन के अंदर, हमने उसको यूटिलाइज करते हुए एक कोई न्यू चीज, मतलब कि न्यू प्रोडक्ट बनानी है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद हो। मतलब हमने ज्यादा ये कोशिश करनी है कि जो चीजें ऑलरेडी बन गई हैं, जो एप्स वगैरह ऑलरेडी जिन पे आइडिया पे ऑलरेडी काम हो चुका है, हम उन पे काम ना करें, बल्कि हम एक न्यू आइडिया जो कि जिस चीज पे अभी तक काम नहीं हुआ उस पे काम करें, मतलब एक न्यू चीज बनाए, तो ये हमारी इनोवेशन होगा। नेक्स्ट है कोलेबोरेशन। हैकाथॉन में हमें डिफरेंट मतलब लोगों के साथ कोलेबोरेशन का मौका मिलता है, मतलब हम डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ कोलेबोरेट करके हम मिलजुल के एक टीम बनाते हैं, फिर उस टीम के अंदर हम एक अपना काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। फिर जब हम उसी हमारी टीम बनती है तो वो डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं, तो उन्हीं के साथ हम न्यू कनेक्शंस बनाते हैं। न्यू कनेक्शंस का मतलब कि हम उनके साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट होते हैं और लिंक्डइन पे हम उनसे कनेक्शन बनाते हैं, और उन्हीं से फिर हम हैकाथॉन्स के एंड में हम LORs भी लेते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं, जो कि हमारी स्कॉलरशिप के लिए हम जब अप्लाई करते हैं तो हमारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होते हैं, तो हम उनसे LORs भी लेते हैं। और इसके अलावा कुछ इंटर्नशिप्स भी हैं जो कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर करती हैं, तो हमें वहाँ भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूरी होते हैं। तो मतलब हम मतलब के डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ हमारे ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं। नेक्स्ट है KY हैकाथॉन्स। तो हैकाथॉन्स क्यों जरूरी है, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि हमारी उसे पोर्टफोलियो बिल्डिंग होती है, और इसका मतलब ये कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग के मतलब अगर हम जब हम डिफरेंट हैकाथॉन्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमने एक सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में ही एक सॉफ्टवेयर हाउस में 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप की है, तो हमें वो थ्रू आउट द इंटर्नशिप हमें वो एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करवाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट पे वो काम करवाएंगे, 2-3 मंथ हम एक ही चीज पे काम करते रहेंगे, और एट दी एंड 3 मंथ के बाद हमारे पास बस एक सर्टिफिकेट होगा कि मैंने ये इंटर्नशिप की है बस, और एक कुछ उन्हीं टेक्नोलॉजीज का हमें पता होगा। लेकिन उसके अंदर जैसे कि सर जफर कहते हैं कि इट इज नॉट मोर वैल्यूएबल एज कम्पेयर टू हैकाथॉन्स, कि इंटर्नशिप जो है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, हैकाथॉन्स ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 महीने में हम 4, 5 से 6 हैकाथॉन्स में चले जाते हैं, और उन 5 से 6 हैकाथॉन्स में जाके हम डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि हर हैकाथॉन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमें ऑफर होती है, तो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे वर्क करते हैं। तो अगर हम कौन से मतलब कि अगर हम हैकाथॉन्स में मुसलसल जाते रहे तो 3 महीने बाद हमारी CV पे 5-6 जब हैकाथॉन में हम जाएंगे तो 6 प्रोजेक्ट्स होंगे, इसके बजाय जब हम 3 महीने की इंटर्नशिप करेंगे तो हमारी CV पे सिर्फ 1 प्रोजेक्ट होगा, तो इससे हमारी CV का वेटेज भी ज्यादा होगा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने से। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 5-3 महीने में 5-6 हैकाथॉन्स में जाती हूँ, और इसकी बजाय मेरे मुकाबले में एक और पार्टिसिपेंट है जो कि सिर्फ उसने 3 महीने की इंटर्नशिप की है,
उसकी सीवी में सिर्फ यही होगा कि उसने बैचलर्स किया है और 3 महीने की इंटर्नशिप की है, लेकिन मेरी सीवी पे ये होगा कि मैं 5 से 6 हैकाथॉन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है और मुझे इन टेक्नोलॉजीज का पता है, मैं इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर सकती हूँ। मतलब मेरी सीवी पे 5 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे और मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होंगे, मेरे पास इंटरनेशनल कनेक्शन भी होंगे। मतलब हैकाथॉन्स में जाने से हमारी पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी होती है। और नेक्स्ट है मीट न्यू पीपल्स, हम न्यू लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनेशनल्स के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, लर्न न्यू थिंग्स। और जैसे कि हमें न्यू चीजें सीखने का मौका मिलता है, जैसे कि अब कल जो हैकाथॉन हो रहा है उसमें है ही मॉडल, क्योंकि वो अगर वो हमने पहले नहीं तो उस पर काम किया हुआ, लेकिन हम हैकाथॉन में जाएंगे तो हमें उसके साथ उस पर काम करने का मौका, उसे सीखने का मौका मिलेगा। तो हैकाथॉन में हमें न्यू चीजें सीखने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एक्सपोजर, हैकाथॉन्स में जाने से हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, मतलब हम इंटरनेशनल्स के साथ मिलके काम करने का हमें मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। मतलब कि अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करते रहेंगे तो हमें तो सिर्फ इन्हीं के काम करने का तरीका पता चलेगा ना, लेकिन क्योंकि एट दी एंड हमारा तो यही है ना प्लान कि हमने इंटेंट अपना स्कॉलरशिप के लिए निकलना है, तो हमें जब हम इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करेंगे तो हमें उनके काम करने का तरीका पता चलेगा कि वो किस स्पीड से और कैसे कैसे एक आइडिया को पिच करते हैं और कैसे काम करते हैं, इससे हमें उनके काम करने का तरीका पता चल जाएगा। नेक्स्ट है टीम वर्क, हम हैकाथॉन में टीम वर्क में काम करते हैं, तो जैसे कि कुछ हैकाथॉन्स में हम टीम लीडर एज अ टीम लीडर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने एज अ टीम लीडर होते हुए अपनी टीम से कैसे काम करवाना है, कैसे उनसे काम लेना है, हमें ये भी एक्सपीरियंस हो जाता है। और कुछ है तो उसमें हम टीम मेंबर के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें टीम के साथ मिलके सारा काम करने का आइडिया हो जाता है, जबकि जब एज कंपेयर तो देश के हम इंटर्नशिप करते हैं तो हम ऐसे इंडिविजुअली काम करते रहते हैं, तो हमें इन चीजों का आइडिया नहीं होता। तो हैकाथॉन्स एज कंपेयर टू इंटर्नशिप ज्यादा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट है मीट रिक्रूटर्स, हमें जो है हैकाथॉन्स के दौरान जॉब्स भी ऑफर होती हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का जो अभी हैकाथॉन्स हमारा अभी गुजरा है, उसमें हमारे आईकोड गुरु के ही स्टूडेंट को जॉब ऑफर हुई है। उससे पहले भी हमारे स्टूडेंट्स को जॉब उससे पहले भी हमारे स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर हुई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें मजीद स्टूडेंट्स भी चाहिए, तो मतलब कि हमें जॉब भी ऑफर होती है हैकाथॉन्स के दौरान। अगेन नो एक्सपेंस के हमें हैकाथॉन्स में जाने का कोई भी इसकी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई भी डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके बैचलर्स हो तो तब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं मैट्रिक इंटरमीडिएट करके भी आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप में यह आ जाता है कि जैसे अब हैकाथॉन में आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि बिल्कुल न्यू आइडिया है, कोई उस पर काम पहले से काम नहीं हुआ, और लेकिन हैकाथॉन में आप उस प्रोजेक्ट पे मुकम्मल काम नहीं कर सके, तो आप हैकाथॉन के बाद भी उस आइडिया पे काम करके उसको मार्केट में लॉन्च करके आप उसे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट है मे बी कैन हेल्प एंड लैंड एन इंटरव्यू, तो इससे हमें डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें उधर जॉब्स भी ऑफर होती हैं हैकाथॉन के दौरान। और नेक्स्ट है विन समथिंग, हम हैकाथॉन्स में डिफरेंट प्राइजेस भी होते हैं, जो कि डिफरेंट हैकाथॉन्स के डिफरेंट प्राइजेस होते हैं जो कि हम विन कर सकते हैं अगर हमारा आइडिया बहुत अच्छा होगा। विनिंग जो है वो सारा इस पे हमारे विन विन जो है ना वो हमारे
आइडिया जितना अच्छा होगा ना, हम और बिजनेस और हमारी आइडिया का जितना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू जितना अच्छा होगा तो हम विन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फन। और मतलब कि आपने, अगर आपको कुछ भी नहीं आता मतलब कि, तो आपने परेशान नहीं होना। आप जस्ट ये कह दें कि मुझे स्लाइड्स में पावर पॉइंट, अगर आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बनानी आती है तो आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कि आप, अगर आपको कुछ नई भी कोई टेक्नोलॉजी पे काम करना आता है तो आप हैकाथॉन में जाके लर्न कर सकते हैं, और स्लाइड्स बना के भी आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हु कैन अटेंड द हैकाथॉन। तो कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि हम इसमें मिलजुल के टीम में एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमें हैकाथॉन में पार्ट लेने के लिए सिर्फ हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए या कोई भी सिस्टम जो आपके पास है, और हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है डू आई नीड टू पे समथिंग टू अटेंड अ हैकाथॉन। नो, इट्स टोटली फ्री, इट्स 100% फ्री। मतलब कि हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी इसमें हमने पे वगैरह नहीं करना, ये फ्रीली हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हैकाथॉन्स आर फ्री। जो भी आईकोड ग्रुप है हम हैकाथॉन्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हम उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्कि हम उसमें से विन करके भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स फ्री, ऑलमोस्ट ऑल हैकाथॉन्स आर फ्री, और हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीम्स के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि टिप्स, हम कैसे है तो हमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके टिप्स क्या हैं। तो बिफोर द इवेंट हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए हैकाथॉन से पहले, जैसे कल हैकाथॉन है तो हमें आज रात हमें क्या क्या चीजें हैं जो जिन पे काम करना है। सबसे पहला है कि प्रिपेयर योर ट्रेलो और पावर पॉइंट, क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी, अभी अभी आप फ्रेशर हैं तो अभी आपको कोई भी टेक्नो कोई भी लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो अभी आप जस्ट जाएं और कहें कि मुझे पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी आती है, तो आप हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हैं। आप ट्रेलो डाउनलोड कर लें जिसपे कि हर टीम अपना वो सारा टास्क वगैरह साइन करते हैं, और पावर पॉइंट आप डाउनलोड कर लें। इसके बाद है जो भी, जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि जो कल हैकाथॉन हो रहा है उसमें हीम मॉडल यूज कर रहे हैं, तो आप देखें कि वो टेक्नोलॉजी लैंग्वेज वो कौन सी है और आप किस लैंग्वेज पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप उसी से रिलेटेड इन्वायरमेंट जो है वो डाउनलोड करें। विजुअल स्टूडियो कोड वो देखें आपका सही वर्क कर रहा है, मतलब वो सारा उसको ठीक करें। नेक्स्ट है इंस्टॉल योर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म एंड फाइंड एन आइडिया। कि आप जब भी हम हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं तो जब टीम के साथ मीटिंग होती है तो सब लोग अपने अपने आइडियाज शेयर करते हैं कि हम ये इस आइडिया पे काम करते हैं, तो टीम के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो आइडिया पहले सोचते हैं। जैसे अब कल जो हैकाथॉन है उसमें रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है ही मॉडल के साथ, तो अभी आप बैठ कर सोचें कि हम कैसे, कौन सा आइडिया हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किस साइड जो के पहले कब किसी ने काम ना किया हो, मतलब कौन सी ऐप हम बना सकते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें पहले बैठ के। नेक्स्ट है टेक एवरीथिंग यू नीड टू सरवाइव 24 आवर्स। नेक्स्ट है कि हमें सेट अपने अचीवेबल गोल सेट करें और डू अ लॉट ऑफ मीटिंग, और जब आपकी टीम बन जाए तो अपने टीम मेंबर्स के साथ बार बार मीटिंग करें, उनसे डिस्कस करें कि इतना प्रोजेक्ट हो गया, इतना रह गया, ये सारी चीजें बार बार डिस्कस करें। और मतलब कि नेक्स्ट है यूज गिटहब फॉर, और अभी से आप अपने गिटहब प्रोफाइल बना लें, लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें, ताकि लिंक्डइन पे आपने कनेक्शंस वगैरह बनाने हैं, और गिटहब आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, उस पे जो है पूरी टीम वो है, जो कोड होता है सारी पुश वगैरह करते हैं, तो आपका गिटहब प्रोफाइल होनी चाहिए। टेक ब्रेक्स एंड एंजॉय वर्कशॉप्स, और लैब लैब एआई जो है, ये लैब लैब एआई का ही हैकाथॉन है, तो लैब लैब
यही जो है वो भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाती है हैकाथॉन से रिलेटेड, तो आप वो वर्कशॉप्स भी अटेंड कर रहे हैं और देखें कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है मेंटेन पॉजिटिव एनर्जी इन टीम, और के टीम में अपनी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन शो करें ताकि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल सके। अब जो है नेक्स्ट के आपने इस हैकाथॉन में कैसे पार्टिसिपेट करना है, टीम कैसे बनानी है, रजिस्टर कैसे करना है, और जो है इसमें टेक्नोलॉजी जो ही मॉडल जो है ऑफर हो रहा है वो सारा जो है आपको अब मुबशिर जो है जो के लैब लैब एआई में ये मेंटोर भी हैं, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि आपने ये सारी चीजें कैसे करनी है। तो मुबशिर ओवर टू यू। एक ही मिनट, मुबशिर एक ही सॉरी, मिनट। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। थैंक यू वेरी मच मैम सायरा सर, आज के इस इंट्रोडक्शन का। तो स्टूडेंट्स, आप देख रह सकते हैं ये हैकाथॉन्स, जिस तरह मैम ने एक्सप्लेन किया, ये मतलब बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हम अक्सर ही कहते हैं कि जो आपके रिज्यूमे में ना, जब हैकाथॉन्स ऐड होती हैं, तो इससे आपके रिज्यूमे में की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। मतलब आप आपका, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है, यानी हमने ज्यादातर लोग बैचलर्स कर रहे हैं, 7 सेमेस्टर में है या बैचलर्स किया हुआ, तो आपके रिज्यूमे में इंटरेस्टिंग चीजें जो एक प्रोफेसर के लिए ना, वो सिर्फ आपका बैचलर्स होता है कि आपने बैचलर्स में क्या किया, आपका जीपीए क्या है और आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या किया। ये 3 चीजें सिग्निफिकेंट होती है, राइट? जीपीए और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप उसमें और भी चीजें मतलब लोग डाल सकते हैं, मैंने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, और मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट्स ऑलरेडी नोन होते हैं। मतलब जब आपने फील्ड बता दिया, आपने कंप्यूटर साइंस है, देन इट्स ओनली द, तब प्रोफेसर्स को, लोगों को पता है कि कंप्यूटर साइंस में, बीएस कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, राइट? तो उसमें ये हैकाथॉन्स इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका एक सेपरेट आप लोग अपना सेक्शन बनाते हैं कि मैं इतनी हैकाथॉन्स में गया, ये मैंने प्रोजेक्ट किया, ये मैंने विन किया। विन इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप जाएं और समझे। जैसा मैम कह रही थी ना, आप सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपका काम है उस हैकाथॉन में प्रोजेक्ट को समझना। क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, जब आप ये, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब वो आप बताएंगे कि आपने वो प्रोजेक्ट में क्या किया और प्रोजेक्ट में क्या था। ठीक है, तो जनरली उस वक्त आप ये तो नहीं कहेंगे मैंने सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोजेक्ट समझें, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोजेक्ट्स लेके, मतलब अगर आप 5th 6th सेमेस्टर में हैं, आप इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड करके अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये वो फील्ड है जिसमें आपको इंटरनेशनल लोगों से कोलेबोरेट करने का मौका मिलता है, तो ये बड़ा मुश्किल है। आप न्यूजीलैंड में किसी को, स्टूडेंट को या किसी प्रोफेसर को ईमेल करें, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, हम मिलकर कोई प्रोजेक्ट करते हैं, या मेरे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ कोलैबोरेट करता हूँ, लोग नहीं जवाब देते। ठीक है ना, वो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन ये वो एवेन्यू है जिसपे आपको बड़े आराम से इंटरनेशनल कोलेबोरेटर्स मिल जाते हैं। कल को जब आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं, तो यही लोग जिनके साथ में आपने काम किया होता है, इनसे आप रेफरेंस लेटर्स लेते हैं, जो कि बड़ी हेल्प करते हैं। बजाय इसके कि आपने 3 आपको रेफरेंस लेटर्स चाहिए, तीनों आप अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर से ले लिए, मतलब पहले की इम्पोर्टेंस है, बाकी दो की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ने आपको फिजिक्स पढ़ाई, दूसरे ने केमिस्ट्री पढ़ाई, तीसरे ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई, मतलब एक ही जैसी चीज लगती है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये एक, मतलब हम ये, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं एक, जो आपको जरूर लेना चाहिए, वो आपको उस प्रोफेसर से लेना चाहिए जिसके साथ आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, उससे ले जिसने आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब हर एक को पता है कि एक क्लास में 50 60 स्टूडेंट्स होते हैं, एक प्रोफेसर आपको कितना जान सकता है टिल द टाइम आपने उस सब्जेक्ट में टॉप किया हो। मतलब तो यहाँ पर इन इंटरनेशनल कोलेबोरेटर्स की इम्पोर्टेंस सामने आती है कि वो आपको रेफरेंस लेटर्स देते हैं कि मैंने इसके साथ प्रोजेक्ट किया था। तो जरूर आप इससे फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर लीडिंग प्रीवियस हैकाथॉन एंड हेल्पिंग एयर, और मोहम्मद मुबशिर का भी बहुत शुक्रिया जो इस हैकाथॉन को लीड कर रहे हैं। तो प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच मैम सायरा, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। सो हमें एक
ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लैब लैब पर हम हैकाथॉन्स में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और टीम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो फिर हम फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, सो दिस इज़ द वेबसाइट्स फॉर द लैब लैब डॉट एआई। एंड यहाँ पर जब आप आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर हैकाथॉन्स मिल जाएगा पेज। तो जब आप हैकाथॉन्स के पेज में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैकाथॉन्स मिलेंगे जो कि पहले कंडक्ट हो चुके हैं और इन फ्यूचर जो कंडक्ट होने हैं और जो अभी रनिंग में जा रहे हैं, उन सब हैकाथॉन्स का आपको आप उन सब हैकाथॉन्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसे अब हम जो कल हैकाथॉन एक स्टार्ट हो रहा है वो है अनहेलुसिनेशन चैलेंज, जो कि सिर्फ 24 आवर्स के लिए है। तो इसमें सिंपली आपने यहाँ पर ज्वाइन का बटन, आपको बटन मिलेगा इनरोल नाउ का। मैंने ऑलरेडी इनरोल किया हुआ है तो इसलिए वो शो नहीं करवा रहा। तो आप सिंपली यहाँ पर इनरोल पर क्लिक करेंगे तो आप इस हैकाथॉन में इनरोल हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड ये है कि हमें टीम फाइंड करनी है, तो टीम फाइंड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप इनके लास्ट पर जाएं पेज के इसी हैकाथॉन के, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर टीम्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो आप उनको टीम्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारी टीम्स मिल जाएंगी, दिस वन इज़ द टीम। और जिन मेंबर्स को, जिन टीम्स को मेंबर्स चाहिए, तो उसके ऊपर आपको लिखा हो भी दिख जाएगा कि उन्होंने ये मार्क किया होगा कि हम मेंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वन थिंग यू कैन डू टू फाइंड द टीम। एंड सेकंड, आप राइट अच्छा, उसके बाद आप लेट्स सपोज के मैं चाहता हूँ, मैंने एक टीम ढूंढनी है, लेट्स सपोज ये एक टीम है जो कि मेंबर्स को लुकिंग फॉर द मेंबर्स हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज अब मैं उनके पेज के ऊपर आ गया हूँ, तो मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पर टीम्स जो हैं वो मिल जाएंगी कि टीम मेंबर्स में कौन कौन है और कौन टीम लीडर्स हैं। तो यहाँ मैं इनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर जैसे आप नीचे बटन देख रहे हैं ज्वाइन टीम का, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पेज के ऊपर ज्वाइन कर सकता हूँ। एक वे तो ये है कि यहाँ पर कर सकता हूँ, और साथ में यहाँ पर चैट है, तो इस चैट में आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल लिंक वगैरह दे सकते हैं, लिंक्डइन के या जो भी लिंक है, और आप उन्हें कह सकते हैं कि जी मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, दिस वन। सेकेंड वन ये है कि आप डिस्कॉर्ड पर जाएं, इनका लैब लैब का जो डिस्कॉर्ड है ऑल राइट, सो दिस इज़ द डिस्कॉर्ड, बोले के लैब लैब का डिस्कॉर्ड है। और यहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल्स बने हुए हैं यहाँ पर डिस्कॉर्ड पर जाके, स्पेसिफिकली फॉर हैकाथॉन्स के लिए बनाते हैं। जैसे कि अब ये एक हैकाथॉन है जो कल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एक चैनल बनाया हुआ है लैब लैब वालों की तरफ से। इसमें जाकर आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप अपना अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कि अच्छा मैं टीम फाइंड कर रहा हूँ तो मेरी ये एक्सपर्टीज़ है एंड ऑल एवरीथिंग। इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको तब भी टीम नहीं मिल रही तो सिंपली आप जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जो इस लैब या डिस्कॉर्ड पर हैं, आप उन्हें जाकर डीएम करें, उन्हें मैसेज करें कि जी मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे आप अलाउ करें कि ताकि मैं आपको अपनी स्किल्स सिखा सकूँ, मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है। तो आपने वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करना है ताकि जो पर्सन है नेक्स्ट वन है वो आपको अपनी टीम में इन करे। कोशिश आप ये करें कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ टीम बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों के साथ आपको चीज़ें सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है। सो द फर्स्ट प्योरिटी फॉर अरे ज्वाइनिंग द टीम इज़ टू ज्वाइन द इंटरनेशनल टीम। अगर आपको नहीं मिलती तो आप फिर लोकल पाकिस्तानी अगर टीम्स मेंबर है तो आप उनके साथ भी टीम बना सकते हैं। ये किसी का कोई क्वेश्चन था?
चलिए हम आगे मूव करते सर हैं। ये 24 आवर्स का चैलेंज है, तो इसमें हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम आइडियाज भी सोचें, फिर टीम डिजाइन करना। तो आपको लगता है ये कंप्लीट हो कर पाएंगे हम अगर अभी स्टार्ट करते हैं, या हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था? मैम हैकाथॉन ऐसा होता है कि हमने हैकाथॉन में पूरा प्रोजेक्ट बनाकर नहीं देना होता। हैकाथॉन जैसा भी हो, हमने एक सिंपली प्रोटोटाइप बनाकर देना होता है कि हम एक प्रोटोटाइप बनाकर दे रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस तरह वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज जैसा कि आपने कहा कि ये सिर्फ 24 आवर का हैकाथॉन है, तो इसमें आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अगर आपको लगता है कि आपको पास एक बेहतर आइडिया है, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेशन है टाइम की, टाइम आपके पास कम है, तो आप सिर्फ उसका एक प्रोटोटाइप बना दें जिसमें आप उस मॉडल को उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर आप एक चीज़ बनाकर दे सकती हैं उस लिमिटेड लिमिटेड टाइम के अंदर। ओके ऑलराइट अच्छा अब हम देख लेते हैं कि सपोज हमारा जो हैकाथॉन है वो कल स्टार्ट हो रहा है वो कैसा है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ जाता हूँ। अच्छा अनहेलुसिनेशन चैलेंज, अनहेलुसिनेशन चैलेंज इसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं इस हैकाथॉन को लैब लैब एक के साथ वो है वैक्टेरा। चैलेंज क्या है हमारे पास जो हमने बिल्ड करके देना है, हम एक ऐप बना कर देनी है जो कि एक रैग बेस है। अब रैग बेस ऐप वो होती है जिसमें हम एलएलएम्स को यूज़ करते हैं, मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करते हैं, और हम उन्हें क्यूरीज देते हैं और वो हमें आगे से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेटा हमने स्टोर करवाया होता है, जो मॉडल्स पर हमने उनको ट्रेन किया होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो हमें आंसर दे देते हैं। ऑलराइट दिस इज़ द रैग एप्लीकेशन जो कि सिंपल सा मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब इसमें चैलेंज क्या है, चैलेंज हमने ये है कि हमने एक ऐप बना ली एक किसी भी एलएलएम को यूज़ करके, लेट्स सपोज ओपनएआई को यूज़ किया या अदर वन जो भी हमारे पास अवेलेबल है, लामा 2 है एक मेटा का विच इज़ वेरी फेमस, और हमने इनको यूज़ किया मॉडल्स को, और हमने अपनी एक एप्लीकेशन बना ली है जो कि रैग वो राइट। अब हमने ये चेक करना है कि जो हमने एप्लीकेशन बनाई है और जो मेरा मॉडल है जो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मैं उससे क्यूरीज कर रहा हूँ, क्या वो इन्फॉर्मेशन सही भी है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट दे रहा है, वो मॉडल कितना एक्यूरेट मुझे वर्क कर कर दे रहा है जो मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर कर मुझे जो आंसर दे रहा है जो मुझे आउटपुट दे रहा है वो कितनी एक्यूरेट है कितनी करेक्ट है, तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। इसलिए वैक्टेरा ने एक मॉडल बनाया है जिसको उसने नाम दिया है वेक्टेरा हगिस हेलुसिनेशन एवेल्यूशन मॉडल। हगिस इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने इसको हैकिंग फेस के ऊपर भी डाला है और उसने गिटहब पर ऊपर भी डाला हुआ है इसको, तो सिंपली ये हेलुसिनेशन एवेल्यूशन मॉडल है। वैसे कि उन्होंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि GPT-4 या गूगल जिमेनी मेटा के जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनको चेक करते हैं कि ये कितने एक्यूरेट हमें वैल्यूज़ को दे रहे हैं। ऑलराइट अब हम देख लेते हैं कि ये मॉडल है क्या। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ vectera.com। अच्छा मैंने वैक्टेरा को ओपन किया, ये उनकी वेबसाइट है वैक्टेरा की। सिंपली आपने सबसे पहले यह करना है कि यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, लॉगिन कर लें या गेट स्टार्टेड फ्री कर लें, आपको यहाँ पर फ्री है सिर्फ अपना जीमेल अकाउंट करना है और आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे सिंपली। अच्छा लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, दो तीन ऑप्शन हैं आपके पास, आप लोगों ने उनको देखना है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने दिया होगा कि आपने एक अच्छा आपने एक कॉर्पस बनाना है। अब कॉर्पस क्या है, कॉर्पस को आप इस तरह अंडरस्टैंड करें कि कॉर्पस एक कंटेनर है
जो वेक्टेरा प्रोवाइड कर रहा है कि उस कंटेनर के अंदर आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपनी, आपका जो डेटा है जिसके ऊपर आपने इवेलुएट करना है, वो आप इसके अंडर स्टोर करेंगे। उसको सिंपली उन्होंने कॉर्पस का नाम दिया हुआ है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे एक कॉर्पस के अंदर, ऐसा वो जैसे कि एवरीथिंग कंटेनर है। चाहिए, अपना डाटा सेट इसमें देंगे। जी मैम एग्जैक्टली, हम अपना इन डेटा इसमें रखेंगे। वो एग्जैक्टली जो हमारे डेटा की फॉर्म है वो ही हमने इसके अंदर अपलोड कर देंगे, या उसको चेंज करना होगा कुछ? नहीं, जो डेटा आप इवेलुएट करना चाहते हैं कि आपने एक मॉडल बनाया, आपने एक, लेट्स सपोज आपने अपनी एक वेब या एक ऐप बनाई है, अब उसमें डेटा आप कैसे इवेलुएट करेंगे, आप यहाँ से चेक करेंगे। ये डेटा आप यहाँ पर रखेंगे कंटेनर के अंदर जिसको उन्होंने कॉर्पस का नाम दिया हुआ है। मैं किसी एनएलपी के डेटा पे काम कर रही हूँ, टेक्सचुअल डेटा पे, तो मेरी जो फाइल है जी वो मैं इसके अंदर स्टोर करवाऊंगी जो हमारी टेस्टिंग फाइल होगी। इज इट एग्जैक्टली जी, हम ओके? डेटा को यहाँ से गेट करेंगे। अच्छा ऑल राइट, कॉर्पस बनने के बाद जब हम बना लेंगे, हम सिंपली उसको नेम देंगे। अच्छा, उसका नेम क्या है और वो मतलब किस तरह वर्क करेगा। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, वो सेकंड है कि हमने उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, वही कि जो हमने जो डेटा देना है कि जिसके ऊपर हमने उसको रन करवाना है सिंपली। एंड थर्ड वन जो होती है, वो हमने एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करनी है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि डेटा के अंदर आकर, लेट्स सपोज मैं स्क्रीन क्या को आप क्लियर प्लीज कर देता हूँ। कॉपन और अपलोड डाटा में फर्क बता सकते हैं? सॉरी, कॉपन वाले में और अपलोड डाटा में क्या डिफरेंस है? अच्छा, जब हम कॉर्पस बना लेते हैं तो फिर कॉर्पस हमारा एक कंटेनर है लेट्स सपोज, और जब वो बन जाएगा हम उसको नेम देंगे। जब वो बन जाएगा तो फिर उसके अंदर हमने डेटा को भी रखना है, तो फिर उसके अंदर हम डेटा को रखेंगे। ओके थैंक यू। अच्छा ऑल राइट। अच्छा ये मैंने डेमो के लिए एक दो बनाए थे, तो मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ कि कैसे। जैसे कि यहाँ पर आपको राइट साइड पर दिखा होगा क्रिएट कॉर्पस का, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको तीन ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, अब तीन ऑप्शन कौन से दे रहा है? पहला तो वो ये दे रहा है कि आपने एक समराइज सेमेंटिक सर्च करनी है। समराइज सेमेंटिक सर्च में ये है कि अगर आप कोई चीज़ को क्यूरी करेंगे, कोई चीज़ आप सर्च करेंगे, तो आपको साथ थोड़ी सी एक समरी भी देगा, यानी एक पैराग्राफ देगा, इसमें वो एक्सप्लेन करेगा करेगा कि अच्छा आपने पूछा क्या था, और भी उसके बाद फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा कि जो आपने उससे मांगी है। अच्छा, सेकंड वन जो है वो हमारे पास सिंपली सेमेटिक सर्च है कि जो आपने उससे सर्च किया वो आपको सर्च कर कर दे देगा। ये दो ऑप्शन हमें दे रहा है। ऑल राइट, तीसरा मन ये है कि हम अभी नहीं बताना चाहते, हम आपको बारे में डिसाइड करेंगे कि हमने किस तरह की एक ऐप बनानी है। तो लेट्स सपोज के मैं इसको, अच्छा मैंने कहता हूँ कि मुझे एक चाहिए लेट्स सपोज समराइज सिस्टमेटिक सर्च चाहिए। अब मैंने उसको यहाँ पर एक नाम देना है कि मैं नाम जो भी देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ वेब तेरा ऐप दे देता हूँ। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या आप जो भी है कि अच्छा आपकी ऐप कैसी है और आप उसमें क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं, और बाकी इसमें आप फिल्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्रिएट कॉर्पस पर, तो ये हमारा एक कॉर्पस बन जाएगा। ऑलराइट, तो दिस वन, दिस इज द कॉर्पस। अच्छा, अब कॉर्पस बन गया, तो अब हमारे पास उन्होंने कहा कि अच्छा आप इनसे, इसके अंदर आपके कोई इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी रखें। तो अब इन्फॉर्मेशन रखने के पास हमारे पास उन्होंने ये मेथड्स दिए हुए हैं। एक तो ये है कि हम इंडेक्सिंग एपीएस, मीन्स के हम एपीएस को यूज़ करें जो वेक्टेरा हमें प्रोवाइड करता है, और हम उन एपीएस के थ्रू कॉर्पस के अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करवाएं। सेकंड हमारे पास हुआ है वो देता है फाइल अपलोडर, कि आप सिंपली अगर आपके लैपटॉप में या सिस्टम में अगर आपके पास फाइल्स पड़ी हैं डेटा की, तो आप सिंपली इसको अपलोड करें,
और अपलोड करेंगे तो वो आपके कॉर्पस के अंदर जाकर जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। और सिंपली थर्ड वन जो है वो सिंपल डेटा है जो कि हम डेमो के लिए यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर उन्हें कह देता हूँ कि आप फाइल अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, अब फाइल अपलोड में वो कौन कौन सी फाइल को सपोर्ट कर रहा है? वो एक HTML को कर रहा है, PDF को कर रहा है, वर्ड फाइल को कर रहा है, और उसके अलावा और भी कुछ फाइल्स होंगी जिसको वो सपोर्ट कर रहा होगा कि अच्छा आप इस तरह की फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं अच्छा ये बैक्टेरा की एक बुक है, मैं इसको ये अपलोड कर लेता हूँ, ओपन कर लेते हैं। अच्छा तो अब ये फाइल जो है ये फाइल अपलोड हो रही है, तो उसने मुझे अब दे दिया कि अच्छा आपकी जो फाइल है वो अपलोड होगी। टोटल आपकी एक फाइल थी और वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अच्छा क्वेरी और एनालिटिक्स है। अच्छा सबसे पहले हमने डेटा को अपलोड कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास वो डेटा अपलोड होकर आ गया है जो मैंने किया था, ये मेरी PDF फाइल है दिस वन। अच्छा उसने उसका एक JSON फाइल बना दी है जिसमें उसने ID का नाम दे दिया है, उसको टाइटल दे दिया है उसने, बाकी जो कंपलसरी चीज़ें थी वो उसने दे दी। अच्छा हम आगे देख लेते हैं। ओ राइट, अच्छा अगर आपने मज़ीद अगर डेटा को लोड करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर कर आप डेटा को लोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ, अच्छा उन्होंने जो सेक्शन दिया वो दिया हुआ क्यूरी। अच्छा अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो डेटा अपलोड किया है, मैं उसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ कि अच्छा कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी मैं उसमें से क्वेश्चन पूछ लूँ कि अच्छा इसमें ये डेटा है, इसमें ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। एनालिटिक्स है, अच्छा उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल। अच्छा यहाँ पर जो है मैंने कॉर्पस बना लिया, तो मुझे उसके बाद चाहिए API की जो कि मैं यूज़ करूँगा अपने ऐप के अंदर जब मैं बनाऊँगा। API की अब कैसे, मैं यहाँ पर क्रिएट API की करूँगा, तो मैं उसको API की को नाम दूँगा कि अच्छा मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ नाम डेमो का, और मैं उसको ID कब से दे रहा हूँ, मैं कॉर्पस को उसको कौन सा बता रहा हूँ। अच्छा जो कॉर्पस है आपने वो लेना है ये वाला जिसकी ID है 4 और उसका नाम है वैक्टेरा ऐप। मेरे पास बाकी भी ऑप्शन था क्योंकि मैंने पहले बनाए एक तो बनाए हुए थे डेमो का और वैक्टेरा ऐप जिसकी ID है 3, तो मुझे चाहिए 4 वाला। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं क्रिएट कर दूँगा, तो उसने मुझे ये एक API की बनाकर दे दी है। लेट्स सपोज मैंने कौन सी दिस वन थी डेमो की, और डेट उसके बाद मेरे पास एक है इन्होंने दिया है API क्लाइंट्स। अच्छा API क्लाइंट्स पे हमारे पास सिंपली ये है कि मैं एक क्लाइंट बना रहा हूँ कि मैं उसको अच्छा जब मैं टोकन बनाऊंगा, टोकन फिर जब मैं JWT टोकन बनाऊंगा। अब JWT टोकन क्या होते हैं, JWT टोकन्स अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये होता है कि अगर मैंने अपने अपनी ऐप के अंदर अपने सिस्टम के अंदर अगर मैंने इन्फॉर्मेशन को गेट करना है अपने मॉडल में से, अपने कॉर्पस में से यहाँ पर आकर, तो मैं उसको जब रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो रिक्वेस्ट जो जाएगी वो मुझे एक JWT टोकन चाहिए होगा कि जिसके थ्रू मैं रिक्वेस्ट अपनी भेजूंगा। तो अच्छा उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक ऐप क्लाइंट है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको नेम दे देता हूँ और बाकी नीचे मैं जो भी चीज़ें देना चाहता हूँ अच्छा मैं सिंपली वो दे देता हूँ, और मैं इस URL को कॉपी भी कर लूँगा अपने JWT टोकन को बनाने के लिए। सिंपली यहाँ पर इसका ये काम है। अच्छा API इसको प्लीज आप क्रिएट कीजिएगा। APIs में दोबारा बता कर ये जो आपने क्रिएट API क्लाइंट किया है सर, इसका पर्पस भी बता दें। जो क्लाइंट किया आपने, क्लाइंट का पर्पस वो आप फिर से बता दें प्लीज। ऑलराइट, अच्छा क्लाइंट का ये है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई भी क्यूरी की है अपने सिस्टम के अंदर से जो मैंने रैग एप्लीकेशन बनाई है, अब मैंने उस रैग एप्लीकेशन में से डेटा को गेट करना है, मैंने क्यूरी ये दिया कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मेरी ऐप में से डेटा मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर कॉर्पस में,
ये एक्सपोज कहाँ गया, मैं आपको ओपन कर, अच्छा यहाँ पड़ा होगा कॉर्पस के अंदर जो मैंने यहाँ पर बनाया था। अच्छा अब यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, मुझे डेटा गेट कैसे होगा? तो उसके लिए मुझे टोकन्स चाहिए होते हैं जिसको हम नाम देते हैं JWT टोकन्स, जो कि सिंपली ये करता है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उस बैक्टीरिया को भेजेगा कॉर्पस के अंदर, वहाँ से जब वो अलाउ होगा तो वो इन्फॉर्मेशन गेट कर कर मुझे मेरे मॉडल को वो दे देगा। तो इसलिए हम सिंपली यहाँ पर हम इसलिए यूज़र रोल बनाते हैं कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्रिएट यूज़र रोल। अब मैं यहाँ पर उसको सिंपली जो भी नाम दे दूँगा, मेरे पास अभी ये ओनर है तो मैं इसको यही नाम दे दूँगा। अच्छा अब मॉडल कौन सा करना है, या तो वो क्यूरी करेगा या वो इंडेक्सिंग करेगा। अच्छा अब यहाँ तीसरा जो है वो है इसका एडमिन, कैसे इसको मैं एडमिन एक्सेस दे देता हूँ, ये काम कर देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ कि ये सिर्फ क्यूरी के लिए है, और मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट। अच्छा तो उसने सिंपली क्या किया कि उसने एक क्लाइंट बना दिया, एक यूज़र रोल दे दिया है इसको, इस वन को, इस क्यूरी वाले को। अच्छा कि ये क्या करेगा कि जब भी मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, मैंने कोई क्यूरी करनी है, तो ये मुझे उसको वैलिडेट कर कर देगा। इसका सिंपली ये काम है एक्सेस कंट्रोल का, जो API क्लाइंट का हमें देखा था। एंड देन ये है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सिंपली कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम आता है। अच्छा हम डेटा को देखते हैं। अच्छा ऑलराइट, ये है बिल्डिंग एप्स। अच्छा उसके बाद अब मैंने कॉर्पस जो है वो बना लिया है, मैंने डेटा दे दिया है डेमो के जो भी है। अब उसके बाद डेटा इंजेस्शन, सर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि क्लाइंट तो हमारा हमारी ऐप से नहीं आएगा। क्लाइंट आप इस तरह कर लें कि वो एक मीडियम के तौर पर काम करेगा आपकी ऐप की और बैक्टीरिया के जो जहाँ पर हमारा डेटा पड़ा है उसके अंदर, तो वो कम्युनिकेशन का काम करेगा कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है क्यूरीज के लिए वो यहाँ से उसको गेट कर कर आपको देगा। और वो गेट कैसे करेगा, वो पहले वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करते हैं टोकन्स के थ्रू, करते हैं JWT टोकन्स का नाम देते हैं हम उन्हें। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या ठीक है, मुझे अभी तक जो समझ आया वो ये है कि वेक्ट्रा हमारा एक डेटाबेस है जो हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है, पर वो इंटेलिजेंटली उसको मैनेज भी कर रहा है, इज इट? वैक्टेरिया सिर्फ डेटा स्टोर नहीं कर रहा, वो हमें पूरा मॉडल दे रहा है, वो आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें करता है, वो हम आगे देखते हैं वो कैसे कैसे चीज़ें कर रहा फिर हम तो मॉडल थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मॉडल अब इसमें किसको कह रहे हैं, पूरा मॉडल हम है। मॉडल वो है जो आप बना रहे हैं, अपना जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो हमें पूरे एक एप्लीकेशन बिल्ड करके देगा विद मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। अच्छा आपने एक ऐप बनानी है, आपने एक बनाना है अपना रैग एप्लीकेशन। अच्छा रैग ठीक है, एप्लीकेशन का आप बना अपने सिस्टम पर रहे हैं। अच्छा वैक्टेरिया को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं कि वैक्टेरिया के ऊपर हमने वो सारा डेटा रखा हुआ है कि जो कि हमने यूज़ करना है। अब वैक्टेरिया पर क्यों रखा हुआ है, हम कोई और डेटा बेस क्यों नहीं ले लेते? अच्छा अब वैक्टेरिया पर हमने इसलिए रखा है कि हमने उसको चेक भी करना है कि मेरा जो मॉडल है, लेट्स सपोज मैंने अपना एक मॉडल बनाया है रैग का, मैंने यूज़ किया है OpenAI को जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लेट्स सपोज ChatGPT जो उसकी एग्जाम्पल है। अच्छा मैंने उसको यूज़ किया है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उसने मुझे आंसर दे दिया आके LLM में। अच्छा जब उसने मुझे आंसर दिया है तो मैं उसको चेक करूँगा कि क्या ये जो आंसर उसने दिया है ये एक्यूरेट भी है, इसकी एक्यूरेसी भी है कि नहीं है, ये आंसर ठीक भी है कि नहीं है। वो मैं कैसे चेक करूँगा, वो मैं इसलिए मैं उसको चेक करने के लिए मैं वैक्टेरिया को जो ये मॉडल है हेलुसिनेशन इसको यूज़ करूँगा, वो मुझे ये वैलिडेट करके देगा कि अच्छा जो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी है वो कितनी वैलिड है, वो कितनी एक्यूरेट है। तो इसलिए हम इस वैक्टेरिया के जो मॉडल है और हेलुसिनेशन वो चेक उसको यूज़ करें। वो
जी, और वो चेक करेगा ऑन द बेस ऑफ डेटा जो आपने अपलोड किया है, उसके साथ मैचअप करेगा कि कितने परसेंट वो एक्यूरेट आ रहे हैं, इज इट? यही काम वो करेगा। ओके, जो मतलब टेस्टिंग वाला काम करेगा हमारा, जी सर, जीपीटी जीपीटी 3.5 या 4 हमें डाटा दे रहा है वेब बेस इंटरफेस पे, तो जो वो डाटा जनरेट करेगा तो वो टेक्स्ट हम वेक्टेरा में कैसे मतलब कि आएगा वो चेकिंग के लिए कि ये एक्यूरेट है या नहीं है, हेलुसिनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो डाटा यहाँ तक कैसे आएगा? वो हम मॉडल को यूज़ करेगा ना, जो उनका हेलुसिनेशन का मॉडल है वो मैं दिखाता हूँ, वो गीटा पर पड़ा हुआ है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बाद उसको भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं एक सवाल था कि जो हम लोग इसमें डेटा इंजेस्ट करते हैं तो उसको जी हमें पहले से क्लीन करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हाफ डेटा सीएसवी में पड़े, हाफ डेटा टेक्स्ट में पड़े, हाफ पीडीएफ में पड़े, तो हम उसको उसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर हमें उसको पहले सारे डेटा को एक ही शेप में लाना पड़ेगा तभी वो बेहतर परफॉर्म अच्छा, जब करेगा? ओड है, जब हम इस पर करते हैं तो हमारे पास ऐसे है कि ये इंडेक्सिंग करता है क्लास बोर्ड के। अब मैंने इसको एक पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में बहुत सारा डाटा है। अब ये हर एक सैंपल को उठाएगा और उसको इंडेक्स कर देगा। इंडेक्स मीन्स के उसको नंबर दे देगा कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, उसको नंबरिंग दे देगा और उसको इंडेक्स कर देगा। तो इसके लिए भी इन्होंने डिफरेंट एपीएस दी हुई हैं। एक तो इन्होंने अपलोड की एपीएस अलग दी हुई है, डेटा को इंडेक्स करने की एपीए जो है उसको उन्होंने अलग किया हुआ है, और बाकी भी जो एपीएस है उनको उन्होंने अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि अच्छा आपने इसको इस तरह यूज़ करना है, अगर ये डेटा है तो उसको आपने इस तरह यूज़ करना है। तो बेहतर यही है कि आप जो सही। डेटा है उसको आप क्लीन कर कर ही अपलोड करें, ताकि वो इंडेक्सिंग करने में आसान हो। सही है। अच्छा सर मेरा एक और सवाल था कि ये जो ही मॉडल है हेलुसिनेशन एवोल्यूशन मॉडल, जी तो ये वैसे तो जो है ना हेलुसिनेशन को मैयर कर रहा है कि हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो कितना हेलुसिनेट कर रहा जी है, तो इसको हम हेलुसिनेशन रिड्यूस करने में कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, अब मुझे एक मॉडल ने डेटा दी, मुझे उसने रिजल्ट दे दिया, अब मैंने उसको इसके साथ कंपेयर किया। अच्छा, अब ये जो है ये मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि आपके डेटा के अंदर कितनी हेलुसिनेशन आ रही है। तो ऐसे ये HHEM मॉडल है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि हेलुसिनेशन कितनी आ रही है, डेटा जो दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है। अब उस डेटा के बेस के ऊपर के अच्छा कितना डेटा एक्यूरेट आया है, उसके बेस के ऊपर हमारे जो डेटा है उसको हम चेक करेंगे, उसको अगर हमने मॉडिफाई करने की अगर ज़रूरत हुई, अगर उसको फाइन ट्यून करना होगा तो हम उसको फिर डेटा को फाइन ट्यून करेंगे। सही, मतलब हमने हेलुसिनेशन से रिड्यूस क्या? मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप क्वेश्चन रिपीट कर दें। अच्छा हम मुझे थोड़ा सा हेलुसिनेशन मॉडल का बता सकते हैं कि है क्या एक्चुअली? हेलुसिनेशन एक्चुअली ये है, अच्छा अच्छा हेलुसिनेशन एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि वो चेक करेगा कि जैसे मैं आपको सिंपली एक रियल टाइम एग्जांपल देता हूं कि हमने चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं या हम किसी दूसरे मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, हम गूगल बॉट को यूज़ कर रहे हैं। चैट जीपीटी पर मैं गया हूँ और मैंने उससे एक क्वेश्चन किया और उसने मुझे उसका आंसर दे दिया। अब हेलुसिनेशन मुझे ये, मैं उसको इसलिए यूज़ कर सकता हूँ कि मैं वो चेक करना चाहता हूँ कि मुझे जो चैट जीपीटी ने इंफॉर्मेशन दी है मेरे क्वेश्चन की वो कितनी एक्यूरेट है, वो कितनी ठीक है या गलत है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पर लाई करती है, उसकी एक्यूरेसी क्या है। तो उसको चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए हम हेलुसिनेशन को चेक करते हैं, इस मॉडल को ठीक हम है यूज़ सर, करते हैं। उसके लिए तो फिर आपके पास पहले से अपना कोई अजम्पशन होनी चाहिए ना कि मेरे पास ये आना चाहिए था, उसकी उसके साथ आप चेक करेंगे, इज इट? एग्जैक्टली हम इसको चेक करेंगे कि अच्छा
मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो ये थी, तो वो मॉडल मेरा वो चेक करके बताएगा दोनों को, अच्छा जो इनपुट जो आउटपुट आई है वो और जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी मैच करती है, मतलब दोनों को मैच एक्यूरेसी चेक करेगा करेगा। जी। उसको चेक करने के बाद फिर हमें बताएगा कि अच्छा आपकी जो डेटा है वो कहाँ पर लाई करता है, 0 to 1 है लेट्स सपोज, तो वो 0 to 1 पर कहाँ पर लाई कर रहा है, अगर वो 0.7 पर आ रहा है तो लेट्स सपोज के डेटा तो एक्यूरेट है लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो 0 से लेस है, 0.7 आ रहा है। अगर वो बिल्कुल ही 0.1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डेटा बिल्कुल ही एक्यूरेट नहीं है। ठीक हो गए थे, गॉट इट, थैंक राइट अच्छा, ये सेशन जो है वो हमारा लाइव है सर। फेसबुक पर, तो आपको वहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग मिल आवाज जाएगी जी। आ रही है? मैम आ रही है जी, सर क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? सर मैं ये ये सेशन हमारा लाइव है तो फेसबुक के ऊपर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की। हाँ जी, पेज का नेम क्या है फेसबुक का? फोन है ना बता। आई कोड गुरु है तो आपको करना अगर कोई को पड़ेगा होस्ट है तो आप काइंडली ये लिंक शेयर कर दें चैट में। उसको। अच्छा मैम, मुझे मैम आपकी क्वेश्चन आवाज़ नहीं आ रही। टाइप कर दें, आवाज नहीं आ रही। अच्छा तो हम आगे चले मूव करते हैं। अगर मैम का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली चैट में लिख दें जी। मैम सर हम हेलुसिनेशन के अंदर कैसे अपना डाटा एंटर करके चेक करेंगे? अच्छा, अब डाटा हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि जिसको वो कंपेयर करेगा। सर वो हम वो कोई ऐप वगैरह या फिर हम बैक्टीरिया पे जैसे आपने डाटा एंट्री किया था? जी हम ऐसे ही करेंगे, डेटा को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और फिर हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। ओके ओके सर इसमें हमें वो क्रेडिट्स देंगे बैक्टीरिया यूज करने के लिए, या जो फीचर्स हमने यूज करने हैं वो फ्री हैं? सर, ये फ्री हैं। ओके सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा ऑल राइट। अच्छा अगर आपने मज़ीद अगर डेटा को अपने करना है तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर हमें 1 मिनट, अच्छा 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा एक तो आप ये हैं कि आप उनकी APIs को यूज़ करें, और उनकी APIs को यूज़ कर कर आप डेटा को अपने कॉर्पस के अंदर ऐड करें। अच्छा सेकंड उन्होंने ये भी दिया हुआ था कि आप सिंपली फाइल को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर वैक्टेरा के ऊपर ही आकर, आप फाइल्स जो आपके पास हैं आप उनको सिंपली अपलोड कर दें तो तब भी आपका जो है डेटा उसके अंदर ऐड हो जाएगा। बाकी दो उन्होंने और ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वैक्टेरा जो है ये सिंपली उन्होंने टेम्पलेट दिया हुआ है, और एक उन्होंने और दिया हुआ है एयरबर्ड इंटीग्रेशन का। अच्छा ये तो उन्होंने अच्छा डेटा का हो गया, और नीचे अगर आप इनकी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं ये मतलब इनकी अगर आप वेबसाइट्स को यूज़ करना चाहते हैं जो उन्होंने आपको डिज़ाइन बनाकर दिया हुआ है, तो उसके लिए भी उन्होंने उन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है। एक उन्होंने दिया हुआ है रिएक्ट सर्च का, एक उन्होंने दिया हुआ क्रिएट UI का, तो सिंपली नेम दिया हुआ है उन्होंने। अच्छा अब लेट्स सपोज के मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ, चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा ये उन्होंने एक बनाकर दिया हुआ है हमें रिएक्ट सर्च का UI मॉडल, जब कैसा दिखेगा वो लेट्स सपोज ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आप सर्च करेंगे और ये नीचे आपको इस तरह रिजल्ट दे देगा जो आपके आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। जब मैं इसको नीचे आकर देखता हूँ तो उन्होंने यहाँ नीचे आपको बताया हुआ कि अच्छा आपने इसको यूज़ कैसे करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली ये चूँकि ये रिएक्ट का है तो आप इसको रिएक्ट रिएक्ट के थ्रू करेंगे। पूरा ट्यान नीचे अच्छा इंपोर्ट करना है सिंपली, और उसके बाद आप लोगों ने अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि
आपने जब भी रिक्वेस्ट करनी है किसी चीज़ की, तो आपने एक तो उसको कस्टमर आईडी देनी है, दूसरा आपने कोर्पस आईडी देनी है, और तीसरा जो है वो आपने एपीआई की देनी है। अच्छा, ये चीज़ हुआ जो मैंने देखी है, ये इनकी कंपलसरी है, हर चीज़ में हर जगह यूज़ होती है। अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तब भी यूज़ होती है, अगर आपने किसी चीज़ को डिलीट करना है तब भी यूज़ होती है, किसी चीज़ को गेट करना है तब भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ये तीनों चीज़ें। अच्छा, अब ये तीनों चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले जो चीज़ है वो तो है कस्टमर आईडी। जब आप अपना वैक्टेरा पर जाकर आप जाते हैं, तो आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं, और उसके बाद आप एक कोडपस बनाते हैं, तो आपको एक कस्टमर आईडी और एक जो है कोडपस आईडी, वो दोनों आपको असाइन हो जाते हैं, और तीसरा जो है वो आप एपीआई की खुद बनाते हैं। अच्छा, अब आपने लेट्स सपोज के डेटा को आपने क्यूरी की है, तो हम उसको ये बताएंगे कि अच्छा आपने कौन से कंटेनर के अंदर या कॉर्पस है वहाँ से जाकर आपने डेटा को उठाना है, तो उसके लिए हम उसको रेफ़र करने के लिए कि अच्छा आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके लिए हम एपीआई की देंगे, और उस कॉर्पस की आईडी देंगे कि अच्छा ये कॉर्पस है, कॉर्पस की आईडी है, इसके अंदर जाना है आपने, उसकी जो कस्टमर आईडी वो ये है, और एपीआई की जो है वो ये है, तो वहाँ से जाकर फिर वो इन्फॉर्मेशन को उठा कर लेकर आएगा। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। दिस वन अच्छा, उसके बाद वो तीनों चीज़ें आ गई। ऑलराइट, सर ये जो आपने अभी तीन आईडीज अच्छा बताई हैं इससे इसको हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं वेक्टाडा में, जी मैं दिखाता हूँ वो यानी आपको। कि जी। सपोज के मेरे पास ये एक ऐप है जो मैंने अपना कॉर्पस बनाया हुआ था। अच्छा, ये मेरे पास आईडी है कॉर्पस की, इसका नंबर क्या है, वो है 4। ये मेरी आईडी है, और दिस वन जो है ये मेरा कस्टमर आईडी है जो कि मैं यूज़ करूँगा, और थर्ड वन जो है वो मेरे पास यहाँ पर मेरी एपीआई की है जो मैंने यहाँ पर बनाई थी। जो भी अपनी एपीआई की बनाई है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन है कि आप क्लिक कॉपी ऑल पर क्लिक करें, तो आपकी कॉर्पस आईडी, कस्टमर आईडी और आपकी जो एपीआई की है, ये तीनों ही कॉपी हो जाएंगी, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ऑल राइट सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा मुझे ये जो बिल्ड ऐप वाला ऑप्शन है ना, ये नहीं क्लियर कि यहाँ पे हम बिल्ड ऐप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। हमने तो सिंपली एक अपना वेक डेटा अपलोड किया ना, वेक प्रो जिसके साथ हमने उसकी परफॉर्मेंस को मैच करना है, जी अच्छा, तो बिल्ड ऐप का बिल्ड ये है। अच्छा, बिल्ड ऐप का ये है कि अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर यूज़ तो करना है। अच्छा, अगर आपको इंटरफेस भी चाहिए, यानी आपको वेबसाइट का डिज़ाइन भी चाहिए, तो उन्होंने भी ये तीन बना कर रखे हुए हैं पहले से, कि आप इनके जो बने हुए हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते मतलब तो हम वो रिएक्ट पे जो हम अपना काम कर रहे हैं वो यहीं से कर लें, इज इट? हाँ कह सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा ये ऐसा करता हूँ कि मैं इसको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ अपने एंड पर। अच्छा, ये वर्क कैसे कर रहा है। इससे के लिए मुझे एक ऐप रिएक्ट चाहिए, तो मैं ये करता हूँ कि अच्छा, मेरी स्क्रीन तो आपको विजिबल है ना? जी, विजिबल है। सर अभी आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, शायद वो दूसरी विंडो ओपन थी।
अच्छा मैक में करता हूँ, मैक दूसरी विंडो खोल रहा हूँ। अच्छा CMD। अच्छा आप फिजिबल है। अच्छा लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक डेस्कटॉप में पहले चल जाता हूँ। मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स सपोज टेरा डेमो ऐप के नाम से। चलिए देख सकते हो, मैं बना लेता हूँ। चलें अच्छा, इसके अंदर मैं आप करता हूँ कि मैं अपना रिएक्ट जो है उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। PX और इसका मैं नेम दे देता हूँ वेब 13 डेमो का। लेट्स सपोज अच्छा वो कह रहे कि पहली बनी हुई है। अच्छा मैं ऐसा ना कर, अच्छा मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको। जी अच्छा यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैंने एक डेमो बनाया हुआ था वेक्टेरा का, कि इसका अच्छा इसको यूज़ कैसे ना करते हैं, ये रिएक्ट का जो इंटरफेस उन्होंने हमें बना कर दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज कि अच्छा मैं यहाँ आता हूँ ऐप .js के अंदर, अच्छा जहाँ पर जो स्टार्टिंग में, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा स्क्रीन मेरी ये शेयर हो रही है जो मैंने ब्राउजर के अंदर खोली हुई है। नहीं सर, आपको विजुअल स्टूडियो शो हो रहा अच्छा एक मिनट मैं इसको, अच्छा मैं इसको ऐसे ओपन करता हूँ। अच्छा आप तो दिख रही है ना आपको। ओ बिल्कुल राइट। अच्छा इन्होंने मुझे यहाँ पर ये दो तीन तरीके दिए हुए थे। अच्छा एक तो सबसे पहले मैं अपना रिएक्ट जो है उसको करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। सेकंड, अगर मैंने जो इसको यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे उन्होंने ये दिया हुआ कोड कि मैं इसको रन करूँगा, NPM इंस्टॉल करूँगा, और बाकी की जो क्यूरी है कि वेक्टेरा को जो मॉडल है रिएक्ट सर्च का, मैं उसको यूज़ करूँगा। अच्छा जब ये मेरे पास दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो उन्होंने फिर मुझे ये दिया हुआ कोड कि अच्छा आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैंने इसको सिंपली कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अच्छा मैंने ये है वो, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है पेस्ट अपने app.js में। उसमें सिंपली मैंने वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी कि कस्टमर आईडी है, मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने कस्टमर आईडी दे दी, मैंने कॉर्पस की आईडी दे दी जो कि 2, और मैंने जो अपनी API की बनाई थी मैंने उसको वो दे दी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने दे दी हैं, और मैंने इसको अपने अच्छा जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसमें रन कर दिया, अच्छा उसमें डाल दिया। मैं इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ। सपोज NPM स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा, अब ये उन्होंने मुझे जो उनका इंटरफेस था जो उन्होंने बनाया हुआ था, एक रिएक्ट के सिमिलर, वो उन्होंने मुझे रन करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। अब सर्च में मैं यहाँ पर क्या चीज़ें करूँगा और कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ? मैं वही चीज़ें कर सकता हूँ कि जो मैंने डेटा अपने कॉर्पस के अंदर दिया है, क्योंकि मैंने कॉर्पस की आईडी दी हुई है। तो उस कॉर्पस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, जो डेटा पड़ा है, ये सिर्फ उसको ही लेगा, उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देगा। चलिए, सपोज कॉर्पस के अंदर मैंने रखा था, डेमो कॉर्पस के अंदर मैं डेटा देख लूँ। अच्छा, एम्प्लॉय जो बुक है वो दी हुई है। अच्छा, मैं अब यहाँ पर लेट्स सपोज के सर्च करना चाहता हूँ किसी भी चीज़ के। अच्छा, अब मैंने सिंपली एक क्यूरी लिखना चाहता हूँ और वो मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप जो करना चाहते हो, वो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास इस डेटा के अंदर जो है, जो आपने प्रोवाइड किया है, वो दी हुई है। तो मैंने सिंपली डेमो के लिए एक मशीन लर्निंग की जो बुक है वो डेटा के अंदर पास की हुई थी, तो इसलिए वो मुझे उसकी रिलेटेड ही दिखा रहा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू AI, इंट्रोडक्शन सॉरी मशीन लर्निंग है, उसके एल्गोरिदम्स के बारे में बता रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाउ इम्पोर्टेंट इज मशीन लर्निंग। सर ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑन द बेस ऑफ जो आपने उसको बुक दी हुई थी। जो मैंने उस कॉर्पस के अंदर अपलोड किया हुआ है, तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है मुझे सिर्फ वो वही दे रहा है। इस बुक के अंदर अगर मेरे पास लिंक्स होते कि किसी वेबसाइट का लिंक्स पड़े होते, तो वो मुझे यहाँ पर वो लिंक्स भी प्रोवाइड कर देता। अच्छा, ये जो सिंपल सा है कि हमारा जो चीज़ें हैं वो वर्क कैसे कर रही हैं, बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अगर किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ ले। सर ये आपके पास पहले से रिएक्ट में बना आपने सिंपल लिंक अप किया है उसको वेक्टर के साथ इज इट। हाँ, वो मैंने कह मैंने कहा चलिए टाइम बच जाएगा तो हम बाकी चीज़ें देख लेंगे। सिंपली आपने ये करना है कि आपने एक फोल्डर बनाकर वहाँ पर आपने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी है। लेट्स सपोज कि मैं ठीक पहले दिखा देता हूँ कि अच्छा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास ये होती है कमांड NPM क्रिएट रिएक्ट ऐप, और आगे मैंने जो भी उसका नाम देना है एप्लीकेशन का, लेट्स सपोज मैं देता हूँ ऐप वेक्टेरा। अच्छा, मैं इसको दूंगा तो ये मुझे, मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे एक, ये सारी चीज़ें हैं रिएक्ट का, ये मुझे बना कर दे देगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर जो यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ वेक्टेरा का रिएक्ट सर्च, तो उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर ये दिया हुआ है। कहाँ पर गया? अच्छा, दिस वन। तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, NPM इंस्टॉल, और ये @vectera/react-search, आप इसको जब कॉपी करके वहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर इसको रन करेंगे तो वो आपको सिंपली ये वेक्टेरा का जो रिएक्ट सर्च है ये आपको इंस्टॉल कर देगा, और उसके बाद आपने इसको यूज़ कर सकती हैं। अब यूज़ कैसे कर सकती हैं? आप इसको इम्पोर्ट करेंगे सिंपली। अच्छा ये कस्टमर आईडी हमारे पास कहाँ से आएगा? अच्छा, हमारे यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये, मैं जब API को कॉपी करना चाहूँगा तो ये मेरे पास जो कॉर्पस की आईडी है वो भी आ जाएगी, कस्टमर की आईडी भी, और जो API की है वो भी, ये तीनों चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। थैंक यू।
अच्छा ये दिस वन एंड अच्छा एक तो ये चीजें होगी, सेकंड वन क्रेपी इस प्लेग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा इसमें ये है एपीएस प्लेग्राउंड। अच्छा ये उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एपीएस दी हुई है, इंट्रोडक्शन की। अच्छा एक इंडेक्सिंग सर्विस है कि हमने इंडेक्सिंग करनी है। लेट्स सपोज मैं करता हूँ इंडेक्सिंग सर्विस, इंडेक्स करना है। सही है, इंडेक्स सर्विस क्या है? दिस वन इंडेक्सिंग ये है कि मैंने जो डेटा दिया है ना कॉर्पस के अंदर उसको इंडेक्स करना है। तो मेरे पास एक इंडेक्स ऑन बल्क द में डेटा बेस चला ऑफ गया है। इंडेक्स सिंपली वो ये करता है कि जैसे 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 वो इंफॉर्मेशन को रीड करता है, वो गेट करता है, उसको वो इंडेक्स करना इंडेक्स कर देता है। तो उसको नंबरिंग दे उसको देता है कोई सिंपली 1 2 3 4। बाय डिफॉल्ट करता है या हम डिफाइन कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट ही कर देता है इंडेक्सिंग का। ओके, तो उससे फायदा क्या होगा हमारे पास? असेसिबिलिटी का होगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली जो फेचिंग फेचिंग करनी है वो तो हमने अपनी उसके बेस पे करनी है ना, डाटा क्वेश्चन जो हम उसको पुट कर रहे हैं डाटा की बेस पे, तो इंडेक्सिंग अच्छा इसमें मैटर करेंगी। जब हमने डेटा को फीड कर दिया, अब लेट्स सपोज कि जी मैंने एक बहुत लार्ज डेटा जो है वो फीड कर दिया, मैंने एक क्यूरी दी है और मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए। उसके अंदर लेट्स सपोज के 100 MB का डेटा पड़ा हुआ, मुझे सिर्फ पहले 3 या 4 क्यूरीज चाहिए, मुझे उसके बाद का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। जैसे कि जब आप गूगल करती हैं तो गूगल पर गूगल के ऊपर आपको एक पेज के ऊपर मैक्सिमम 10 या 11 लिंक्स दिखते हैं, उसके बाद आपको नहीं दिखते, वो फिर नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं। तो इसी तरह मैं इसको कहूँगा कि मुझे अच्छा इस क्यूरी के ऊपर मुझे सिर्फ पहले 5 जो रिजल्ट हैं जो आपको आपके पास पढ़े हैं मुझे सिर्फ वो दिखा दें। तो इस सेंस में हमारे पास इंडेक्सिंग यूज हो जाती है। ओके सर, अच्छा दिस वन हाँ तो सर गूगल गूगल की तो सर्चिंग क्राइटेरिया ऐसा ना कि वो जो मोस्ट रेलिवेंट होता है उसको फेच करता है, तो इसमें बैकएंड पे क्या होगा या वो हमें डिफाइन इसमें भी करना ऐसे ही होगा? होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा ना। आपके पास जो डेटा पड़ा है, जो क्यूरी आप कर रहे हैं, तो उसके पास वो मैच करेगा कि उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि नहीं पड़ी। और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो आपको उसको रिटर्न करेगा, और उससे में से आप कहेंगे कि अच्छा मुझे सिर्फ पहले 5 दिखा दें, मुझे बाकी नहीं चाहिए। तो आप वो पहले 5 इंडेक्स पर जो वैल्यूज पड़ी हैं वो दे देगा। सिंपली ये कोड है ये इंडेक्सिंग का। अच्छा इंडेक्सिंग में आप यही सेकेंड, अच्छा जो वैक्टेरिया का मॉडल है ये मैं जो स्टडी किया है इसको, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि बाकी अगर आप चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं ना, बाकी मॉडल्स हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज हैं, तो आप उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर ने इंपोर्ट किया हुआ है, आप इंपोर्ट करते हैं, आप इनको इंस्टॉल करते हैं। वैक्टेरिया का ये है कि आप उसको एंड पॉइंट्स जो हैं आप उनको यूज़ करते हैं। एंड पॉइंट से मुराद ये है कि आप उनके यूआरएल्स को यूज़ करते हैं, और उसके एंड पर आप सिर्फ चीज़ों को चेंज कर देते हैं कि अच्छा ये मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यूआरएल की, ये मैं इंडेक्स करने के लिए करता हूँ, इसी इंडेक्स की जगह मैं चेंज कर मैं यहाँ पर क्यूरी कर सकता हूँ कि अच्छा मैं जो डेटा है मैं क्यूरी कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मुझे उसका आंसर रिक्वायर्ड है। तो वैक्टेरा को जो है उसमें हम इस तरह यूआरएल्स को यूज़ करते हैं और उसमें हम एंड पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक है, डिफरेंस ओ है वैक्टेरा का। मतलब हाँ
ओवरऑल हमारा यूआरएल सेम रहता है, सिर्फ हम उसका जो लास्ट पॉइंट है उसको चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, इज इट? जी इस तरह की चीज़ें चेंज, जी, हम इंडेक्स कर रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं, अगर हमने क्यूरी करनी है तो हम क्यूरी दे देंगे, डिलीट करने है तो हम डिलीट को दे देंगे, सपोज कि मैं यहाँ आपको डिलीट को करता हूँ तो हाँ उन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया, उसको उन्होंने डिलीट डॉक्यूमेंट कर दिया है। अच्छा ये सिंपल सा था एक, और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आई थिंक सर एडमिन सर्विस और इंडेक्स सर्विस लिखा हुआ था, इसको थोड़ा बताओ। दिस वन, यस सर, अच्छा इंडेक्सिंग का तो हमने वो देख लिया ना कि इंडेक्स करता है फाइल को अपलोड करता है, सर ये क्योंकि सब जब कुछ हमने इंडेक्सिंग में ही इंक्लूड है ना, डिलीशन, इंडेक्सिंग, फाइल अपलोडिंग, जब हम कोर डेटा को इंडेक्स। करेंगे कॉर्पस में भेजेंगे तो वो उसको इंडेक्स भी, जाहिर बात है उसको इंडेक्स भी करेगा, और अगर डिलीट करना है तो हम बताएंगे कि अच्छा कौन सा डेटा को उसको डिलीट करना है, तो वो उसको उस इंडेक्स के ऊपर से जाकर डिलीट कर देगा, तो इस तरह लेकिन के जब हमने सब। फाइल अपलोडिंग करा था तो हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट उसकी इंडेक्सिंग नहीं होती, क्या होती है बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग? जब फाइल अपलोड करते हैं तभी हो जाती है या हमें स्पेशली उसको मेंशन करना पड़ता है इंडेक्स? अच्छा अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है तो आप फिर उसको डिफाइन करेंगे कि अच्छा मैं डेटा को इस तरह इंडेक्स करना चाहता हूँ, उसको इस तरह यूज़ कर कर कुछ जो कि उन्होंने यहाँ पर दिया होगा। ओके सर। सर ये जो एडमिन सर्विस है और इंडेक्सिंग है, मतलब अच्छा अब एडमिन हम एडमिन पैनल को क्या अलग देख होगा लेते हैं, सर? ओके ओके अब एडमिन में जो हमारे पास, अच्छा ये तो अकाउंट है और ये कॉर्पस का साइज है, अच्छा सिंपली हम देखते हैं कि जो चीज़ें रेलिवेंट है, अच्छा क्रिएट एपीआई की इसको देख लेते हैं। अच्छा एपीआई की का एक तरीका तो ये था कि हमने हमारे कॉर्पस के अंदर यहाँ पर आकर हमने एपीआई की बनाई थी एक्सेस कंट्रोल के अंदर, एक तो हमारे पास सर। यहाँ पड़ी है, दूसरा हमारे पास ये है कि अच्छा हम अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो मैं उसको APIs के थ्रू भी बना सकता हूँ। APIs के थ्रू कैसे है कि मैं, अच्छा अब सेम वही चीज़ है कि हम URL को यूज़ कर रहे हैं और मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने API की बनानी है, अच्छा API की बनानी है तो मैं उसको नीचे उसका जो पेलोड है यानी जो डेटा है मैं भेज रहा हूँ वो क्या है, उसके अंदर सेम वही चीज़ आ गई कि कॉर्पस आईडी है, वो मेरे पास कॉर्पस आईडी है कि मैंने किसके अंदर बनानी है एपीआई की, एपीआई की अच्छा डिफाइन करूँगा और उसके बाद इस वन, अच्छा जो JWT टोकन्स है ना जो हमारे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो ऑथराइज करेगा बैरियर टोकन, अच्छा बैरियर टोकन जो ही है जो जिसको हम यूजली JWT टोकन कहते हैं, वो इसको वैलिडेट करेगा कि अच्छा हमारी इस रिक्वेस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं API की बना रहा हूँ इस कॉर्पस के अंदर, उसकी जो आईडी है वो ये है, तो वो उसको चेक करेगा वैलिडेट करेगा, तो उसके बाद जब ये वैलिडेट हो जाएगा तो वो उस कॉर्पस के अंदर जाकर मेरी API जो की है उसको बना देगा, इसकी एक सर टाइम लिमिट ये होती है। सेम ही बनेगी जो हमारे पास वहाँ ऑटो डिजाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है और यहाँ हम खुद उसको डिस्क्राइब करें, ये सेम अच्छा दोनों सेम ही है ना? हाँ APIs तो वही बनेगी ना कि आप जहाँ तो उनकी वेबसाइट पर जाकर आप सिंपली क्लिक कर कर बना लें, और यहाँ आप उसको API के थ्रू करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कि जब आपको यहाँ हम इसका उसकी कंटेंट वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं लेकिन सर API की वहां भी तो हमें नाम वगैरह खुद ही दिया था, जी मतलब मैं दोनों में सेम ही हो रहा है, बस वहां पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर रहे हैं और यहाँ हम ऊपर। जी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोकन्स का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा टोकन्स का मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ एक टाइम लिमिट के लिए होते हैं, ये लेट्स सपोज के 60 मिनट तक अलाउ होते हैं
उस 60 मिनट के बाद ये फिर दोबारा रीजनरेट करना पड़ता है आपको। ये इसलिए होता है कि आपको ऑथेंटिकेशन के लिए होता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन इसको इसको एक्सेस ना कर सके, तो ये सिर्फ इस सिंपली इसके लिए यूज़ होता है। मतलब इस ड्यूरेशन में हमें की डिजाइन करना होगा। हाँ, वो इतनी देर तक ही काम करेगा जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों की, वो सिर्फ 60 मिनट के लिए काम करेंगी। उसके बाद फिर आपको जो टोकन है वो दोबारा जनरेट करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके सर, अच्छा, आगे देख लेते हैं वेक्टेरा का। अच्छा, दिस वन अच्छा, एक और देख लेते हैं इसका जो था सेकंड वन, जो कि गिटहब पर पड़ा हुआ है। सर ये दोनों क्या है एक्चुअली अच्छा, में इसके? अब ये है लीडर बोर्ड के जो चीज़ें, वैक्टेरा का जो मॉडल है हेलुसिनेशन का मॉडल, अब उसने इवेलुएट किया तो उसका उन्होंने एक लीडर बोर्ड भी बनाया है। अच्छा, आप लीडर बोर्ड देख लेते हैं क्या बनाया उन्होंने। उन्होंने हेलुसिनेशन चेक किया कि जो भी GPT-4 के मॉडल्स है ना, उसमें 3% हेलुसिनेशन आई है, यानी उसका जो फैक्चुअल एक्यूरेसी है वो आंसर के साथ कितनी मैच की है, वो 97% मैच की है, सिर्फ 3% है वो हेलुसिनेशन आई है। तो इसी तरह से उनके मॉडल के अकॉर्डिंग जो तो GPT-4 है वो सबसे एक्यूरेट है, तो 97% एक्यूरेसी दे रहा है। दैन फिर GPT-4 टर्बो है, और इसी तरह उन्होंने नीचे सारे मॉडल्स जो हैं उनका एक टेबल बनाया हुआ है कि अच्छा ये जो मॉडल्स हैं इनकी इतनी इतनी हेलुसिनेशन आ रही, 3 आ रही, 3.2 आ रही है, 3.5 आ रही, सबसे जो कम आ रही है वो उनकी इस मॉडल में आ रही है, Falcon 7B में आ रही है, जो कि सिर्फ 83% जो है वो मैच कर रहा है। तो अच्छा, सर इससे अभी हमें क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस लीड बोर्ड से? मतलब इसमें हम इसमें पहले ही तो अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम ChatGPT-4 यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हेलुसिनेशन जो है वो मिनिमम होगी, इज इट? अच्छा, उन्होंने यहाँ पर वो दिया हुआ है ए हैगिंग फेस के ऊपर, वो चीज़ जो आप आंसर कर रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं जो आप। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर ये बताया भी हुआ है कि हमने जो हमारा मॉडल है उसको हमने कैसे कैसे डेटा दिया है, उसको हमने कैसे ट्रेन किया हुआ है और कैसे हमने उसको बनाया है। अच्छा, अब उन्होंने इसको यूज़ किया है क्रॉस सैंडर्स। अब क्रॉस सैंडर्स का आपको आइडिया है क्या होते हैं? नो सर, क्रॉस सैंडर्स, कोर्स इन कोड देख लेते हैं। बिल्कुल अच्छा, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ के कोर्स इनकोडर्स होते क्या हैं। वैसे कोई मेरे पास कोई भी जो टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट है मेरे पास, कोई इमेज है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, अब मैंने उनको डेटाबेसिस के अंदर स्टोर कैसे करवाना है। अब वो स्टोर इस तरह हुई हुई है कि वो एक नंबर के ऊपर पड़ी हुई है, जिसको यूजली हम वेक्टर, जिसको हम यूजली इम्बेडिंग्स भी कहते हैं, वेक्टर इम्बेडिंग्स कहते हैं या सिंपली इम्बेडिंग्स भी कहते हैं। अच्छा, ये करता है इम्बेडिंग्स। अच्छा, अब इम्बेडिंग्स क्या होती है कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इमेज है, टेक्स्ट है, वो मैंने अपलोड की है, तो वो एक इमेज जो है उसके कोरस्पोंडिंग एक नंबर है,
वो उस नंबर के ऊपर पड़ी है। अब मुझे अगर वो इमेज चाहिए होगी तो वो कैसे एक्सेस करेगा मेरा सिस्टम, वो उस नंबर को जाकर गेट करेगा और उसको उस नंबर के थ्रू पता चलेगा कि अच्छा इस नंबर के ऊपर जो ये जो नंबर है ये इस इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है या टेक्स्ट को कर रहा है या वॉइस को कर रहा है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सिंपली हम कह देते हैं क्रॉस इनकोडर्स, वो इम्बेड करके दे रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन को। ओके सर, अच्छा तो इसको देख लेते हैं। अच्छा अगर बेसिकली हम ये पहले से प्री मॉडल यूज कर रहे हैं तो हमने अपने मॉडल की हेलुसिनेशन क्या उसके उससे क्या मुराद होगा, क्योंकि हमें तो पहले तेरे ना कि जीपीटी टर्बो हम यूज करते हैं हमें 3% की हेलुसिनेशन मिलती है, तो हम अच्छा अपने जब मॉडल कहते हैं कि इसी पे ट्रेन करना तो हमें आंसर तो इसी का मिलेगा ना कि हमें जीपीटी ही आंसर कर रहा होगा, तो हमने अच्छा हेलुसिनेशन में क्यों यूज आपने किया रहे हैं। आपने एक अपनी ऐप बना ली है रैग की, उसमें आप मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप ओपन ए को यूज़ कर रहे हैं, आप ओपन ए का जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो उसको यूज़ कर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी तरफ आप अपने वैक्टेरा को यूज़ कर रहे हैं, इस हेलुसिनेशन मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, आप फिर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे कि अच्छा ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको कितनी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा था कि हाँ दिस वन। अच्छा अब यहाँ पर चेक हो रहा सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, है। जो हम वेक्ट्रा में कर रहे हैं वो भी तो हम अपने वाले जो डेटा सेट है उसके साथ ही कंपैरिजन करके चेक कर रहे हैं ना। हाँ उसका मैं आंसर आपको यहाँ कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ बताने लगा था। अब लेट्स सपोज के ये जो है एक मेरे पास टेक्स्ट है, उसका टेक्स्ट का क्या है, अ बॉय जंप्स ऑन अ स्केटबोर्ड इन द मिडल ऑफ अ रेड ब्रिज। ये इंफॉर्मेशन है जो मुझे मेरे मॉडल ने बना कर दी है, और जो एक्चुअल थी जिसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ वो मैं उसको आगे दे रहा हूँ कि द बॉय स्केट्स डाउन द साइड वॉक ऑन अ ब्लू ब्रिज। अब तो फर्स्ट वन है ये मेरे सबसे पहले, इसमें उन्होंने एक मेथड रखा हुआ है सेपरेट करने का कि इससे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडल ने जनरेट जनरेट करके दी है, और जो सेकंड वन है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन आएगी। अब ये इन दोनों को देखेगा, कंपेयर करेगा और उसको कंप्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज अच्छा वो उसको अब कंप्यूट कर रहा है, ये मॉडल ये चेक करेगा कि अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है अब कितनी एक्यूरेट आई है, कितनी करेक्ट आई है जो मुझे मिली थी और जो मुझे चाहिए थी, तो वो उसको कंप्यूट कर कर देगा। अच्छा लेट्स सपोज कि यहाँ पर उसने अब कंप्यूट किया और कंप्यूट कर कर उसने मुझे ये दे दिया है कि 0.000 उसके अकॉर्डिंगली जो रिज़ल्ट उसको मिला है और जो हमें रिक्वायर्ड था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और उसने उसको 0 से लेकर 1 तक जो स्केल किया उसने उसको स्केल कर दिया कि वो 0 पर है उस मॉडल के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरह हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये जो मुझे मॉडल मेरा दे रहा है यहाँ पर तो हमने खुद एक लाइन ऐड करके दे दी है, तो रियल टाइम में जब हम एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मेरा मॉडल मुझे जनरेट करके दे रहा होगा हम यहाँ पर उसको पास करेंगे, और फिर हम उसको यहाँ पर सेपरेट कर कर अपने जो आउटपुट है हम उसके साथ भी उसको मैच कर कर देखेंगे कि क्या ये मैच भी कर रहा है उसके साथ कि नहीं कर रहा, कितना एक्यूरेट है, तो फिर उसको वो कंप्यूट कर कर बताएगा। जी सर, बेसिकली मैं गलत नहीं समझ रहा, हमने इस तरह करने के पहले मॉडल से प्रिडिक्शन लेनी है, मॉडल ने हमें जो प्रिडिक्शन की है उसको हमने मैच करना है अपनी जो डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर करवाया होगा उसके साथ, तो फिर हमें कंप्यूट करके देगा, या हमें आउटपुट अपने डेटाबेस से लेनी है और उसको मॉडल के आउटपुट के साथ कंपेयर करके हेलुसिनेशन बतानी है। नहीं ऐसे ही जैसे आप बता रहे हैं कि हमने अपना एक एप्लीकेशन बना ली, रैग सिस्टम बना लिया, मैंने किसी भी मॉडल को यूज़ कर लिया है, लामा को यूज़ कर जी लिया है मैंने, ओपन एआई को यूज़ कर लिया है। अच्छा मुझे उसने इन्फॉर्मेशन दे रही है, अब मैं उसको इन्फॉर्मेशन को जो मुझे उस मॉडल ने दे दी है उसको मैं फिर कंपेयर भी करूँगा कि अच्छा मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी करेक्ट है। उसको मैं जो कंपेयर करूँगा वो मैं इस वैक्टेरिया के ऊपर जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने पास की हुई थी
मैं उसके साथ उसको कंपेयर करूंगा कि अच्छा कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है जो मेरे पास है, ये दोनों कितनी ठीक हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, तो हम उसको इस तरह चेक करेंगे। यस, मतलब कि बेसिकली हम अपने डेटा सेट के साथ मैच करें होंगे आउटपुट को, उसके लिए हमें एक डेटा सेट रखना पड़ेगा कंप्यूट करने के लिए साथ ना, जिसके साथ वो आंसर मैच कर रहा होगा हमारा। ऐसे ही है, वो फिर चेक करेगा कि अच्छा कितनी हेलुसिनेशन आपको दिख रही है। सर इसके लिए सर थोड़ी हम मुझे कन्फ्यूजन है कि जो वेक्ट्रा में हमने जो डेटा अपलोड किया है पहले सेट, वो हमने टेस्टिंग के लिए किया ना, जी तो वहां से वो हमें बताएगा ना वहां से, क्योंकि वो हमारे डेटा उस टेस्टिंग डेटा के साथ कंपेयर करेगा, तो वहीं से हमें आइडिया नहीं हो जाएगा कि ये कितने परसेंट हमारे साथ रिलेट कर रहा है। तो हम उसको चेक भी तो करेंगे ना। अब चेक कैसे करेंगे, वो उन्होंने हमें यहाँ पर मैं देख रहा था। अच्छा ये उन्होंने मुझे पीछे दिया हुआ है कि लेट्स सपोज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा इसका तो आपको आइडिया ना कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स वही काम है कि जो हम इम्बेडिंग्स करते हैं। सिंपली बता रहा हूँ आप लोगों को, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर में से वो क्रॉस इनकोडर को पिक कर रहा है उसको इम्बेड करने के लिए। अच्छा क्रॉस इनकोडर्स के अंदर हमने इसको दे दिया है यही मॉडल कि कौन सा मॉडल है वो अपने यूज़ करना है, तो मैंने उसी को उसको उन्होंने रेफर दिया हुआ है इसी का ही। उसको करने के बाद उन्होंने नीचे सिंपली स्कोर था उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं कि जो मॉडल लिया है उसको वो प्रिडिक्शन दे रहा है, प्रिडिक्शन के अंदर उसने वही इन्फॉर्मेशन वैसी दी है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आई है और एक्सपेक्ट क्या कर रहा था वो इसको ये कर रहा था। अब इन दोनों को वो कंप्यूट करेगा और कंप्यूट करने के बाद वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि जैसे उन्होंने नीचे यहाँ पर दिखाई हुई है। अच्छा जो पहला है वो उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इसका जो स्कोर है वो इतना है 0.6 है ओनली। जो सेकेंड है उसको उससे भी लो है उसका 0.00 है। ऐसे इसी तरह थर्ड वन जो है उसका 0.9 है। तो हम इस तरह उसको कंप्यूट कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर, अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ तो मैंने पिक किया। लेट्स सपोज मैंने अच्छा इस मॉडल है यहाँ पर मैं लेट्स सपोज एक फाइल बना लेता हूँ सिग्नेशन.ai। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा ये अब क्या कर रहा है, ये मैं इसको आपको रन कर कर भी दिखा देता हूँ शायद इसने इन्फॉर्मेशन क्या दी है। कोड स्कोर्स, अच्छा अब ये उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी है कंप्यूट कर कर। अच्छा सिंपली उसने ये किया कि मैंने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी पेयर्स के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है ये वो भी दे दी है और जो इवेल्युएट करनी थी जिसके साथ उसने वो भी दे दी है। अब उन दोनों का चेक कर कर ये बता रहा है कि अच्छा दोनों कितने रिलेट कर रहे हैं, तो उसने मुझे उसके अकॉर्डिंगली ये मुझे उसने आंसर दे दिया है। अच्छा जो फर्स्ट वन है वो 6 पॉइंट कर रहा है, तो सेकेंड वन है वो 4 पॉइंट तक कर रहा है, तो थर्ड वन है वो 9 पॉइंट तक कर रहा है। तो उसने मुझे इस तरह कंपेयर कर कर दे दिया है। यूज़ किसको वो कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ कर रहा है। अब ट्रांसफॉर्मर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम एम्बेडिंग्स कर रहे होते हैं। ये जो फाइल है ट्रांसफॉर्मर्स की, ये लेट्स कोई अकॉर्डिंगली कोई है 700 to 800 MB की फाइल है। तो मैंने इसको ये सेशन से पहले डाउनलोड कर लिया था कि ताकि जो टाइम है वो बच जाए। तो ये कोई 800 MB की फाइल आई थिंक, उसको वो उसने पहले डाउनलोड किया, तो मैंने उसके अंदर फिर इस कोड को रन किया है, तो तब ये हमारा जो कोड है वो चल पड़ा है। अच्छा वो एक ये है ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड वन जो है वो
मैंने यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स मैंने यूज़ कर रहा था, लेकिन आई मेरे एंड पर कुछ आई थिंक मसला था कि मेरे ये चल नहीं रहा था वीएस कोड के अंदर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर्स, तो मुझे वो एरर दे रहा था, तो इसलिए मैंने फिर इसको नहीं यूज़ किया। मैंने दिस वन जो इस मॉडल है मैंने इसको यूज़ कर लिया था। तो उन्होंने हमें ये कंडीशन, हमें ये दो तीन तरीके दिए हुए हैं कि इन दोनों दो तीन तरीकों के ज़रिए से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर लास्ट टाइम ना हमें ना एक इशू भी आ रहा था, अगर वो इशू ये था कि हमारे पास ना जो थी पाइथॉन्स लाइब्रेरी, जब हमें ना इसको स्ट्रीमलेट में डिप्लॉय करने गए थे ना, हमने इसको डिप्लॉय करना था, तो हमें ये लाइब्रेरी का इशू ये दे रहा था कि पाइथॉन्स स्ट्रीमलेट ना 3.9 वर्जन में उठाना था पाइथन के, ना 3.10 में उठाना था, इसको रिकोगनाइज ही नहीं कर रहा था वो पाइथॉन्स को। सर तो कभी आपने इस तरह टैरिफ किस का कोई सजेशन और अच्छा, मुझे आप असल एक क्वेश्चन में रिपीट कीजिए, काइंडली क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जो पाइथॉर्च की लाइब्रेरी थी ना, ये लास्ट टाइम हमें ये मसला कर रही थी कि वो क्या कहते हैं डिप्लॉय करने गया था हमें से स्ट्रीमलेट क्लाउड, वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था ऐसा लाइब्रेरी, मतलब कि रिक्वायरमेंट ओटीएक्स में हमने पाइथॉर्च दिया हुआ था कि वो ना 3.9 पे हमारे पास ये इंस्टॉल हो रही थी डिप्लॉयमेंट के दौरान, ना 3.10। तो सर आपने नहीं करा, थैंक मतलब यू किस फॉर तरह हेल्पिंग मी। एड्रेस हमजा, किए। अच्छा, मैंने जब की थी तो मेरे एंड पर अभी तक मुझे इस तरह की कोई ओके, डिफ़िकल्टी इट्स ओके, दिखी नेक्स्ट नहीं है, टाइम, तो इसलिए मुझे लेकिन इसका नेक्स्ट टाइम, इतना ओके। आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको देख लेते। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही होगी तो हम यहीं स्लैक पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम आपके थ्रू हेल्प कर देंगे। किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? या यू नीड सैनिटाइजर? नो सिर्फ प्रेयर है, थैंक यू। ऑलराइट, अगर हमजा को भी आपको दो। किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आ रही तो आप स्लैक पर हमें पूछ सकते हैं, तो हम ज़रूर आप लोगों की हेल्प करेंगे। हैकाथॉन जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल 10 बजे रात को, तो 24 आवर का हैकाथॉन है, तो फिर अगले दिन जो 10 बजे तब वो एंड हो जाएगा, यानी कल 12th है, तो कल मंडे को रात 10 बजे स्टार्ट होगा और ट्यूसडे को रात 10 बजे वो एंड हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर सो वो मच। चैट में मैम शाइस्ता कब से कुछ पूछ रहे हैं कि सर उसका आईपी माइक पर क्लिक कर रहा। मैं आज देखना जब सर वैक्टेरा और हागी फेस मॉडल दोनों को लिंक कैसे करेंगे। अच्छा, जो हागी फेस पर जो मॉडल पड़ा है वो वैक्टेरा का ही है, तो वैक्टेरा ने उस पर पब्लिक ओपन सोर्स किया हुआ है, उसने गिटहब पर भी उसको ओपन सोर्स किया हुआ है, और उसने वैक्टेरा ने हागिंग फेस के ऊपर भी उसको ओपन सोर्स किया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। सर एक और क्वेश्चन भी जी, सर, वही उन्हीं का है कि एलएलएम कौन सा यूज करना है। LLM आप अपने जो भी आप एप्लीकेशन बना रही हैं, आप कोई मर्जी को जो सा मर्जी यूज़ कर सकती हैं, ओपन AI का यूज़ कर लें आप लामा 2 यूज़ कर लें, जो मेटा का है, या बाकी जो भी कोई यूज़ कर सकते हैं आप कर लें। आपने सिर्फ उसको हेलुसिनेट करना है कि कितना रिजल्ट जो है एक्यूरेट दे रहा है। ओके सर,
नहीं, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक अच्छा, चैट में एक क्वेश्चन आया है, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। पूछना चाह रहा था कि हेलुसिनेशन को रिड्यूस करने के लिए हमें डेटा को फाइन ट्यून करना पड़ेगा और फिर दोबारा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा हेलुसिनेशन को मेजर करने के लिए। अच्छा, जब आप एक बार अपना मॉडल बना लेंगे और आपको वो बता देगा कि अच्छा इतना आपके अंदर जो है हेलुसिनेशन आ रही डेटा के अंदर, तो आप सिंपली अपने डेटा को फाइन ट्यून कर लेंगे। और फाइन ट्यून करने के बाद चूंकि आपके पास पहले वो मॉडल बना हुआ है तो आप उसको दोबारा वही यूज़ कर लेंगे, तो डेटा आपका वैसा का वैसा ही रहेगा और आपका थोड़ी डेटा जो है वो आपका फाइन ट्यून हो जाएगा, फाइन ट्यून करके चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका जो मॉडल है वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि आपने वो ऑलरेडी बना लिया है। तो सिंपली आप फाइन ट्यून डेटा को यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आप हेलुसिनेशन करेंगे। सर, रैग एप्लीकेशन में भी फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने जो रैग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, जो मेरे नॉलेज में बात थी कि रैग का जो एप्लीकेशन हम जब क्रिएट करते हैं ना, तो वेक्टर डेटाबेस के साथ क्रिएट करते हैं। उसमें हमारे पास जो डेटा सेट होता है ना, तो मॉडल पहले जाके ना आंसर हमारी डेटाबेस के जाके होता है। अगर हमारी डेटाबेस उसका आंसर नहीं करे ना, तो हमें वो क्या कहता है कि मॉडल के पास आता है, जो हमने मॉडल यूज किया GPT 3 टर्बो यूज किया ना, तो फिर GPT टर्बो उसका आंसर हमें देती है, वरना वो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर जाके ना हमारी वेक्टर डेटाबेस ही क्रिएट करता है। बेसिकली ये था मेरे नॉलेज में कि रैग एप्लीकेशन इस तरह से क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम मॉडल को फाइन ट्यून कर देंगे, फिर तो वो ये कहते हैं कि फिर तो रैग एप्लीकेशन का जो मेरे नॉलेज में बात है, वो तो रैग एप्लीकेशन ही नहीं रहेगी फिर। अच्छा, हम फाइन ट्यून किस बेस पर करेंगे? मतलब कि अगर इसके ना कि फाइन ट्यून कर देते हैं, तो हमारा जो मॉडल होगा सिर्फ हमारे डेटा सेट में से हमें प्रिडिक्शन देगा, उसके अलावा जनरल हमें कोई भी उससे पूछेंगे तो वो नहीं बताएगा हमें। डेटा आप जो प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो उसी उसके पास जो तो इन्फॉर्मेशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देगा ना आपको। जो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका वो आंसर ही नहीं देगा। अब आपने उसको अगर फाइन ट्यून कर दिया है तो फाइन ट्यून करने के बाद आप उसको अगर दोबारा देखेंगे तो दोबारा फिर आप चेक करेंगे कि अच्छा फाइन ट्यून होने के बाद मेरा डेटा फाइन ट्यून हुआ भी है कि नहीं हुआ। उसको फिर आप फिर कंपेयर करेंगे कि अच्छा पिछली बार ये मुझे दे रहा था कि आपका जो लेट्स सपोज के मेरी जो 0 से 1 से दरमियान जो मुझे उसने रैकिंग दी थी कि अच्छा आपका जो डेटा है वो लाइक कर रहा है 0.7 पर, मैंने उसको फाइन ट्यून किया तो मैं बस उसको चेक करूंगा कि मेरा डेटा कैसे फाइन ट्यून हुआ है, कि वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। फॉर अगर वो 0.7 दे रहा था पहले तो नेक्स्ट टाइम वो 0.9 देना चाहिए आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तो अगर वो 0.9 दे रहा है तो वो फाइन ट्यून हो गया है। उसको आप चेक कैसे कर रहे हैं? तो आप उसको हेलुसिनेशन के थ्रू चेक कर रहे हैं। सर बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब कि फाइन ट्यून करने के बाद भी हमारा मॉडल रैग एप्लीकेशन ही रहेगा। रैग ही रहेगा वो, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो रैग नहीं रहेगा? जी सर, क्योंकि बेसिकली मैंने जो रैग का पढ़ा था ना, कि रैग में हम फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सकते। फाइन ट्यूनिंग एक अलग प्रोसीजर है हमारे पास, और रैग जॉनसन एक अलग प्रोसीजर है कि मॉडल की जो आउटपुट है ना, उसको ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए, उसको ओरिजिनलिटी लाने के लिए ना। अच्छा, रैग का अगर आप देखेंगे तो मेरी आई थिंक सो कि आपको इसके भी कुछ बैक्टीरिया के मैंने देखे थे कि यूट्यूब पर इन्होंने लेक्चर्स दिए हुए हैं कि जो बैक्टीरिया का जो रैग का सिस्टम है वो कैसे बिल्ड करना है। तो मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया वर्कशॉप के अंदर, नहीं तो मैं इसको भी ज़रूर डिस्कस करता था। तो उसके अंदर वो भी दिखा रहे थे कि अच्छा आप जो रैग सिस्टम है बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं वो आप कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर आप हेलुसिनेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। वही जो आप बात कर रहे हैं कि उसको फाइन ट्यून करना है, और फाइन ट्यून हम उसको हेलुसिनेशन चेक करने के बाद फाइन ट्यून करेंगे डेटा को, तो हमारा जो रैग का सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। हम सिर्फ अपने डेटा को जो बैक्टीरिया पर पड़ा हुआ है कॉर्पस के अंदर हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं। ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हमने सिंथेटिक सिंथेटिक डेटा अगर जनरेट करना हो,
उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम आप रिकमेंड करेंगे? सॉरी, अगर हमने सिंथेटिक डेटा अगर जनरेट करना हो तो फॉर दैट रीजन आप कौन सा जो है एल्गोरिथम आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं इस पर आपको गाइड नहीं कर सकता। ऑलराइट सर, सर मुझे चलिए यहाँ फिर। से क्लियर कीजिएगा कि हम अपने वेक्टर जब उसको दोबारा से फाइन ट्यून करेंगे तो वेक्टर पे जो डाटा है हमारे पास उसको चेंज करेंगे ना, मॉडिफाई करेंगे थोड़ी सी इम्प्रूव करने के लिए। वेक्टर मॉडल का आपने के कुछ ऊपर कहा था कि मॉडल को हम चेंज नहीं कर सकते रैग में, उसको रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, डेटा को हम फाइन ट्यून उसको करेंगे कि जो कि मेरे पास डेटा आ रहा है, जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है, वो तो मैं उसको चेक करने के लिए मैंने रखा ना अपने पास कि मैं उसके साथ उसको कंपेयर करूँगा, तो मैं उसको तो चेंज नहीं करूँगा ना, वो तो वैसे ही रहेगा। वो मेरे पास आ रहा है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ कि वो मुझे मज़ीद ऑप्टिमल दे, तो हम जो मॉडल्स है हम उसको फाइन ट्यून करते हैं। अब जिस तरह के ओके लेट्स सपोज ओपन एआई का एक मॉडल है चैट जीपीटी, सिंपल एग्जांपल है, तो अगर वो लेट्स सपोज के 1 साल पहले वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्या अब भी वो वही दे रहा है कि या उसको अपडेट कर कर दे रहा है? अब पिछले 1 साल में मज़ीद कई चीज़ें आ गई हैं, कई डेवलपमेंट्स हो गई हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन को हमने जो मॉडल को हमें दी हुई है उसको अपडेट भी करना है, तो उसको अपडेट हम कैसे कर रहे हैं? हम उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, उसके अंदर हम नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं, डेटा अगर इन एक्यूरेट था तो हम उसको भी एक्यूरेट कर रहे हैं, तो हम उसको मॉडल को फाइन ट्यून कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प की ज़रूरत है हैकाथॉन से रिलेटेड, तो आप स्लैक पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको टीम नहीं मिल रही, अगर आपको कोई डेवलपमेंट में इशू आ रहा है, तो हम सब आपकी हेल्प करने के लिए स्लैक पर मौजूद हैं, आप सिंपली मैसेज करें। थैंक यू सर। ओके, थैंक ओके सर, थैंक थैंक यू यू फॉर वेरी योर मच, गाइडेंस। थैंक यू मोहम्मद मुबशर, इट वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत शुक्रिया आपका फॉर द गाइडेंस। वेट, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो।